Come on. हेलो एवरीवन, हमारा आवाज बढ़ा दो. हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लाइव स्ट्रीमिंग. वेरी गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स वॉचिंग मी ऑन लाइव स्ट्रीमिंग. वेरी गुड इवनिंग. चलो बच्चों, एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट. एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट. कम ऑन, कम ऑन बेबी. दोस्तों, आवाज थोड़ा कम कर दे भाई. कल हमने लेवरेज की शुरुआत की थी. इज्जत दो, आपने सभी लोगों ने किताब ले ली ऑफिस से. एफएम के छोड़ के बाकी सब लिए ना, मतलब बाकी जो जो लेना था ले लिया ना आपने. और जो है लाइव स्ट्रीमिंग वालों, आपको एफएम की किताब का जो मैंने पीडीएफ ऑलरेडी दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको क्लिक करें, डाउनलोड करें और आगे बढ़े. अभी प्लीज कुंडी लगा दो अमर हर जगह पे. और मुझे, मेरे धंधे का टाइम है, लेट मी स्टार्ट. दोस्तों शुरुआत करेंगे. आप सभी जानते हैं आपने एक चैप्टर की शुरुआत की जिसका, क्या कर रही हो आप? लेवरेज चैप्टर, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है उसको लेवरेज बोलते हैं. लेवरेज दो वजह से आता है, एक तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से और एक है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से. हमारे, अरे कोई इज्जत दो, मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं, तुम लोग आपस में क्या बोल रहे हो? तुम्हारा आपस में चल क्या रहा है? प्लीज, हर रोज जब मैं क्लास में आता हूं 2-4 मिनट मेरा आपको सेटल करने में जाता है. ये बच्चा देखो कितना शांति से बैठा, और तुम लोग देखो तुम कर क्या रही हो, सर्कस के? बैठो जरा, क्या चल रहा है ये? वो लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे देखो कितना अच्छे से पढ़ते घर पे बैठे बैठे. हैप्पी बर्थडे, किसका बर्थडे है भाई? रोशन. ओके गाइस, वेलकम बैक. सो अगेन गिव मिस, मैं पढ़ा रहा हूं लेवरेज, प्लीज चिल बेबी. ओके, बहुत अच्छी बात है, सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं. अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है, जिसका नाम है, कल मैंने शुरुआत की थी. आज का डेट क्या है भाई साहब? 2 जून 2023, और यह है मेरा लेक्चर नंबर 2. दोस्तों मैंने आपको पढ़ाई लेवरेज. लेवरेज का मतलब होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी फिक्स कॉस्ट है. जितनी ज्यादा लेवरेज होगी उतनी ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट होती है. जितनी ज्यादा लेवरेज होगी, आवाज थोड़ा कम कर, उतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है. आपकी, आपके लिए सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन इतनी फिक्स्ड कॉस्ट क्यों लगाता है? आखिर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होने का अर्थ क्या? हाल ही में सुनने में आया है एयर इंडिया कंपनी ने, जानते हो एयर इंडिया कंपनी ने 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है. आपको ये खबर आपके कानों पे आई थी या नहीं आई थी? कितने लोग जानते हैं, बराबर जानते हैं कितने? 1000 बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं. 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है टाटा के एयर इंडिया ने, जहां पे आप जानते हो एयरलाइन की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दो कंपनीज है, एक है एयरबस और दूसरी बोइंग. पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट बनाने वाली दो ही कंपनीज है, एक एयरक्राफ्ट, एक बोइंग. आप जब भी हवा में उड़ोगे इन्हीं के सहारे आपको उड़ना होगा. दोस्तों इतने ज्यादा पैसे लगाकर रतन टाटा जो ये सारी एयरक्राफ्ट लेगा, प्लानिंग यही है कंपनी में बहुत सारा डेट लिया जाएगा, और बहुत सारा डेट ले लेके उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा. अब सोचने की बात है, जब एयर इंडिया, मैं आपको पहले दिखाता हूं कि हमारे लेवरेज दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा कौन सा होता है, ऑपरेशनल, और एक होता है फाइनेंशियल.
और दोनों का मिला के जो कहते हैं उसका नाम हो जाता है कंबाइंड। ये एक्चुअली कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं, उनको दोनों को मिला के आज कॉन्सेंट्रेट कर लेना भाई अच्छे से। मित्रों अभी क्या हुआ ना, आप नहीं जानते नाम है एयर इंडिया, और एयर इंडिया को जब 1000 एयरक्राफ्ट लाना होंगे, क्योंकि आप जानते हो इंडिया के विकास में ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप जो भी यहां पे जितने भी लोग जिस स्टेट से यहां पे पहुंचे, कई लोगों को बहुत मशक्कत के करके यहां पे पहुंचना पड़ा, बिकॉज डायरेक्टली फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है, डायरेक्टली रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो आपके कम्युनिकेशन अच्छे होना जरूरी है। मोदी जी ने रतन टाटा जी को कॉल किया, रतन जी आप आगे जाओ एयरक्राफ्ट मंगवा। बोले कितने? बोले 1000 मंगवाओ। हमारा प्लानिंग है हम भारत में इतने एयरपोर्ट खोल देंगे, रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा, इतने एयरपोर्ट खोल देंगे। बोले इसका मतलब क्या होगा कि आने वाले समय में भारत में एयरक्राफ्ट का होना जरूरी है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपके जैसी, टाटा जैसी कंपनीज होगी, ऑलरेडी आप जानते हो, वैसे आपको नॉलेज होगा तो बता देना, फिलहाल एयरलाइन के अंदर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी, इस समय भारत के अंदर सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस, विच इज हैविंग द मार्केट शेयर ऑफ 60%। 60%, 100 फ्लाइट में से 60% इंडिगो की उड़ती है। पर एक कंपनी इस पूरे भारत को विकास करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए एयर इंडिया को कहा गया कि तुम भी एयरक्राफ्ट मंगवाओ ताकि जो कनेक्टिविटी और बढ़े। आज भी पूना से अगर आपको बहुत शहरों में जाना है तो आपको दिल्ली वाया इधर वाया उधर वाया जाना पड़ता है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, आपको लेओवर मिलता है और आपको कई घंटे, जो 2 घंटे काम है आपको 10-12 घंटे लग जाते हैं कभी, और कभी कभी तो ऐसा है वहां तक फ्लाइट से जाओ फिर वहां से ट्रेन से जाओ, उस तरह से काम करना पड़ता है। इसलिए आप बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि अब जैसे मोदी जी ने कहा रतन टाटा को सुनना जरूरी है, रतन टाटा कहेंगे 1000 एयरक्राफ्ट का मोदी जी पैसे लाए कहां से? बोले आपको डेट दिला देंगे कोई बैंक से। अब क्या हो रहा, धंधा ग्रो करने के वास्ते। अब वैसे रतन टाटा बोलता है ये तो मेरे फायदे की बात है, वैसे कि क्योंकि मैं डेट तो टाइम पास के लिए ले नहीं रहा, मैं डेट लूंगा, डेट पे क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। अब क्या होता ना धंधे में, क्या होता ना, ध्यान सुनना, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है आरओआई। अब क्या होगा इस धंधे का जो आरओआई है, ये इसका आरओआई जो है मान लीजिए 18% है, यानी कि सारे खर्चे जाने में 18% की कमाई हो रही है। और जब देखा गया मोदी जी बोले कोई बात नहीं है आपको इंटरेस्ट हम लोग 10% से SBI से दिला देंगे। अब रतन टाटा बोल रहे बात तो एकदम बिल्कुल फायदे की है, सौदा फायदे का है, क्योंकि 18% की कमाई होंगी, 10% इंटरेस्ट जाएगा, 8% तो मेरे को प्रॉफिट रहेगा, तो कोई बात नहीं कर दो ऑर्डर। यानी कि क्या होता है, कोई भी इंसान अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इनकर करता है मजे के लिए नहीं, वो धंधा बढ़ाने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यानी कि ये जो प्रॉफिट जो हो रहा है ना, वो 8% का हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज कंपनी ने क्या लिया है। यानी कि कोई भी कंपनी जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ये जो अकर करेगी, ये मजे के लिए नहीं करती है, ये होता है इससे धंधा बढ़ेगा इसीलिए। यानी कि फिर रतन टाटा ने बोला सच में ना भाई, आवाज अपने आप ही क्यों बढ़ रही है, कम करो जरा। रतन टाटा ने पूछा कि सच में जो आप एयरपोर्ट बनाओगे ना इंडिया में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग एयरक्राफ्ट तो लेकर आ जाए और लैंड कराने के लिए जगह ही नहीं, मानो हाईवे पे लैंड करा रहे, ट्राई नहीं तो उड़ा दिए प्रेस्टीज पॉइंट पे, ऊपर आ गए सब लोग शहीद हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भारत में एयरक्राफ्ट लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह भी जरूरी है कि एयरपोर्ट कितनी जगह पे है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वहां पर तो एयरपोर्ट भी नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि सच में क्या तुम इंडिया में इतना विकास देख रहे हो? मोदी जी बोलता हाँ मैं 5 साल तो और आने वाला हूं, मैं विकास की दुकान लगा दूंगा। बोले इंडिया में बहुत विकास करेंगे, आपका सेल बढ़ेगा। बोले पक्का ना, क्योंकि आप जो सेल बोल रहे हो मोदी जी, उस सेल के मुताबिक मेरा आरओआई 18 आ रहा है, आप प्रॉमिस कर रहे हो इसलिए 18 आ रहा है। अगर सोचिए अगर इंडिया में विकास नहीं होगा ना, मेरा अगर मान लीजिए गलती से आरओआई कम हुआ ना, तो मैं तो खड़े खड़े बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि अगर मान लीजिए गलती से आपने ढंग से विकास नहीं किया इंडिया का, आपने आरओआई अगर मान लीजिए मेरा सेल नहीं हुआ, मतलब ज्यादा लोग हवा में नहीं उड़े, या आपने एयरपोर्ट्स नहीं बनाए,
या देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ी तो लोग एयरपोर्ट से नहीं उठेंगे, लोग क्या करेंगे, कोई गाड़ी में जाएगा, कोई घोड़े पे जाएगा, किसी में भी जाएंगे, लोग एयरक्राफ्ट पे नहीं जाएंगे। तो उस केस में आरओआई अगर मान लो गलती से 8% हो गया या मान लो 6% हो गया और इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा मुझे 10%, तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, तो मैं तो नेगेटिव में जाऊंगा 4%। अब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए ये बात जो है ना, ये जो डेट जब लेते हैं, बोलो क्या होता है डेट, जब आपका मान लो जो 10,000 करोड़ का डेट लेकर का है, ये अच्छा तो बहुत अच्छा है, अच्छा है तो आपको 8% प्रॉफिट भी दे देगा और खराब है तो आपको गड्ढे में भी डाल देगा। यानी कि जब कोई इंसान फाइनेंशियल लेवरेज में होता है, यानी कि जिसका सर लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज क्या कि आपने डेट जितना ज्यादा लिया है, हम समझते उस कंपनी का उतना ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज है। अरे बोलो, पर लोग लेते क्यों फाइनेंशियल लेवरेज? फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा यानी कि डेट ज्यादा क्यों लेते हैं? शौक में तो नहीं लेते हैं, अपना विकास करने के लिए लेते हैं। पर दोस्तों इन 8% के प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए आपने कहीं ऐसा ना हो जाए कल्चर के धंधा बर्बाद हो जाए, आप यहां पे आ जाओगे। इसलिए कई कंपनियां बर्बाद हो जाती, जैसे रियल एस्टेट कंपनीज। क्यों बर्बाद? जो कंपनीज अपना धंधा करने के लिए बहुत सारा डेट लेती है, जैसे अडानी, आज अडानी बर्बाद नहीं हुआ है, अडानी बोल रहा है मैंने धंधे में 2,50,000 करोड़ का डेट लिया है। तो लोग बोल रहे तो हौला है क्या तू 2,50,000 करोड़? बोले तुमको क्या प्रॉब्लम है जब मुझे विकास दिख रहा है इंडिया में? मोदी जी से मेरी बात होती है, मैं पूछ लेता हूं कहां पे क्या होना, मैं बराबर कर लेता हूं सब। जब मुझे इंडिया में विकास दिख रहा है तो मैं डेट तो मजाक के लिए नहीं ले रहा हूं। वो बात और है, आपको मेरा डेट बड़ा आपत्तिजनक लगता है, पर मुझे बात हो कि मेरा आरओआई बहुत आने वाला है, तो मेरा इंटरेस्ट से ज्यादा मेरा आरओआई है, तो आपको किस बात की चिंता है? भरना इंटरेस्ट मुझे, आप भरोगे मेरा इंटरेस्ट? नहीं ना। तो वो प्रॉब्लम क्या है? वो अच्छा ही क्या है? देखो फाइनेंशियल लेवरेज ना अच्छी बात भी बुरी बात भी है। अच्छी बात कब? जब आपका सेल बहुत अच्छा हो रहा हो, जब आपका आरओआई बहुत अच्छा। और अगर बुरी बात क्यों है? कहीं से कुछ कोरोना वापस आ जाए, कहीं से रिसेशन आ, जो इस समय यूएस में रिसेशन चल रहा है, कहीं रिसेशन आ जाए, कहीं कोरोना आ जाए, कहीं पे मान लो बाढ़ भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए इंडिया में, उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर आपका सेल कम हुआ, आरओआई कम हुआ, तो आपका ये इंटरेस्ट आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये खतरों के खिलाड़ी वाला काम है, ये चली तो चांद तक वरना शाम तक है। वरना आप एक तो आपको प्रॉफिट कमाना, तो आप बहुत प्रॉफिट कमा के बहुत आगे जाओगे, बिकॉज हर एयरक्राफ्ट में आपको 8% का फायदा होगा, मतलब आप तो बहुत ऊपर उड़ान उड़ोगे। बट सोचो अगर मान लो गलती से सेल कम हुआ, पर आपका इंटरेस्ट बंद नहीं होगा, आपको तो लेंडर आपसे फिर भी आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आर यू गेटिंग इट? तो आपको मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जिस कंपनी में निवेश करना चाहते हो, आपको देखना है कि सच में इसका डीएफएल कितना है, यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, डीएफएल ज्यादा यानी इसका लोन ज्यादा यानी कि इसका इंटरेस्ट ज्यादा रिस्क ज्यादा। क्यों? बिकॉज आपकी कंपनी चले, आपका सेल हो, धंधा रहे ना रहे, आपको तो फिर आपको उस बंदे की काबिलियत पर और उसके धंधे पर अगर जब तक आपको कॉन्फिडेंस देन डोंट इन्वेस्ट। आप अभी भी आज की तारीख में भी कई लोगों को गौतम अडानी के टैलेंट पर पूरा भरोसा है, इसलिए लोग आज भी उसके शेयर्स बाय, बोलता है ये बंदा अलग है, ये बहुत आगे जाएगा। इसीलिए आज इतनी डीएफएल उसका हाई होने के बावजूद भी पीपल आर इन्वेस्टिंग एंड बाइंग हिज शेयर्स। क्यों? लोगों को डीएफएल नहीं, लोगों को समझ रहा है ये हाईली लिवर्ड, लिवर्ड यानी कि लेवरेज का लिवर्ड, लेवरेज लिवर्ड, हाईली लिवर्ड होने के बावजूद भी पीपल आर इन्वेस्टिंग एंड बाइंग, इसलिए तो पूरा कमबैक किया उसने। या आपको जानकारी होंगे पिछले 3-4 दिनों में उसका मार्केट जो शेयर प्राइस है 20-30% पूरा रिकवर कर, वो नॉर्मल स्टेट पे आ गया, मतलब एकदम नॉर्मल नहीं पर काफी कुछ रिकवर कर लिया उसने। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है ये बंदा अलग है, ये बहुत ऊपर तक इसकी पहचान है, ये अपना जो देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं कि 10% देना है, लोगों को डर है कि अरे इंटरेस्ट से कौन डरता है, इंटरेस्ट से डरता नहीं अगर आपके धंधे में दम है तो, आपको समझा नहीं। अरे भाई इंटरेस्ट का प्रॉब्लम नहीं, 10% इंटरेस्ट होगी बात है, पर प्रोवाइडेड आपका फायदा वो 10% से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका धंधा 18% चल रहा है इस एक नंबर, तो 10% आप 1,000-10,000 करोड़ क्या आप और ले लो, 50,000 करोड़ लोन ले लो, क्या प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब क्या हुआ? What is the DFL जिस कंपनी में है, यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जिस कंपनी में बोलो ज्यादा है,
डीएफएल ज्यादा, यानी कि बोलो डेट और डेट ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा, पर फायदा भी ज्यादा। फायदा कैसा कैसा? प्रॉफिट भी ज्यादा कैसे? आप बता दो क्यों, ये क्यों लिखा? ये भी सही, देखो अगर आप उसको रिस्क दिख रही है, नहीं ना ना ये तो एक काम करो, फिर घर पे बैठ जाओ, मत लो डेट। क्या होगा डेट नहीं लेंगे तो आपकी एयरक्राफ्ट उड़ेंगी नहीं। आज आपने 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, किसके दम पे? डेट के दम पे। तो बोलेंगे मत लो रिस्क, बोले ठीक है, नो रिस्क, नो रिस्क, व्हाट इश्क, क्या इश्क रे? नो रिस्क इट मींस यू आर नॉट टेकिंग डेट, यू आर नॉट टेकिंग डेट इट मींस यू आर नॉट गोइंग टू बाई एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मत उड़ाओ, तो जो चल रहा चलने दो, ये आपको 8% नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो कंपनी ज्यादा डीएफएल रखती है, यानी कि ज्यादा डेट लेती है, ज्यादा इंटरेस्ट देती है, पर हो सकता अगर उनका आरओआई ज्यादा आया तो कंपनी में प्रॉफिट, पर हो सकता है आपका इंटरेस्ट होगा 10% और भारत में अगर रिसेशन, आपको मिलेगा 2% रिटर्न। 10% गया, 2% है, 8% में आपकी यहां लग गए, यानी कि डीएफएल के, डीएफएल को कैसा देखना, इसके दो पहलू होते हैं, या डॉल को, एक तो फायदा तो फायदा और नुकसान। सर तो डीएफएल ज्यादा अच्छी बात क्या? कल एक बच्चे ने सवाल पूछा, रात भर मैं सोया नहीं। ऐसा क्या तनिष्का जी, नहीं उनसे तो मेरी बात ही नहीं होती, पर दोस्तों एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू इंटरप्रेट, डीएफएल है तो उसको रिस्क ज्यादा है, पर वो अच्छी बात है गंदी बात? आई वॉज, मुझे बेचैनी हो रही थी, मैं कब लेक्चर में जाऊं, मैं कब बोलूं, कब अच्छा हूं मैं यहां पे आ गया, अब मैं बोल पा रहा हूं। उसके वो बोल रहा था मुझे, सर किसी कंपनी का डीएफएल ज्यादा है उसको अच्छा समझे या बुरा समझे, क्या समझे? आप बताओ क्या समझे, अच्छा या ना, अच्छा या बुरा? डिपेंड्स, डिपेंड्स आपका धंधा, अगर आपका धंधा तेजी में चल रहा होगा तो आपके लिए डीएफएल ऑसम, अगर आपका धंधा खराब होगा, रिसेशन आएगा, कोरोना आएगा, यही डीएफएल आपकी जान ले लेगा। सर अगर मानो देश में सब अच्छा चल रहा होगा तो सेल बढ़ रहा, तो इसका मतलब एट दैट टाइम डीएफएल ज्यादा भी रहा तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज आपको ज्यादा एयरक्राफ्ट लेने से फायदा तो आपका ही होना है। तो इस तरह से यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एवरेज। या बेबी, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता, ये फाइनेंशियल एवरेज, occurs due to fixed operational cost, example rent, depreciation, salary, property taxes, insurance, कोई बात ठीक है, कोई बात मेरा नहीं, नहीं आपको, आपको किस में इंटरेस्ट है? कौन एक्स, एक्स में? कमाल करते हो, कुछ भी बोल रहे हो आप, मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। सुनो दोस्तों, नहीं नहीं सुनो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बहुत आगे जा रहा हूं, मैंने कुछ लिखा है, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल जो आपका, पहले लिखो मत, पहले समझो, लिखा तो हम लोग खड़े खड़े लिखवा देंगे। ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आपका ऑपरेशनल लेवरेज आता है। किसी ने कहा कि आपका डॉल
यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा, तो समझ जाना उसका फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा, यानी कि वहां का रेट ऑफ जो रेंट है हो सकता वो ज्यादा, हो सकता वहां की सैलरी ज्यादा, हो सकता वहां का डेप्रिसिएशन, हो सकता वहां का प्रॉपर्टी का टैक्स। धंधा चले ना चले गुरुकुल का रेंट देना पड़ेगा इस सब मेरे पास आज डीएफएल एक है, डॉल बहुत ज्यादा है आपकी कसम। बहुत मर जाएंगे आपकी कसम मित्रा, मैंने जीवन में एक रुपए का डेट नहीं लिया, क्योंकि मुझे डेट लाने से बहुत डर लगता है। मैंने कोई डेट नहीं लिया, इंटरेस्ट जीरो, तो इसीलिए मेरे पास डीएफएल वन। सर तो आपने अगर मान लीजिए फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, मैंने लोन नहीं लिया, मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया, इसलिए मेरा डीएफएल वन है। सर जीरो क्यों नहीं बेटा? वो जीरो नहीं आता, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट अगर जीरो भी रहा आपका डीएफएल वन होता है, मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। पर सुनो ना, मेरे पास डीएफएल वन है पर मेरी डॉल ज्यादा है। क्यों? मेरा धंधा चले ना चले मुझे देना पड़ेगा रेंट। ये अमर जैसे लोग, अमर सैलरी लेता है मुझसे, अमर इधर आ, वो क्या बोलते हैं माइक लेकर आ। मैं इससे पूछता हूं कल चल के, इससे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से देखना, मेरा डॉल इसने बढ़ाया। अमर अगर कल चल के कोरोना वापस से आ गया और क्लासेस बंद हो गई, तो क्या तुम अपनी करोगे? एक्चुअल को कंपेयर किससे करोगे? कंपेयर किससे करोगे? इस माइक में बोलेगा, बीच बीच में यहां पे भूतों की आवाज आती है। ओके, मैं अमर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अमर कल्चर के कोरोना आ गया, मैं बर्बाद होने लगा, क्या तुम तब भी मुझसे सैलरी लोगे? हाँ लेंगे। ऐसे लोग, इन्हीं लोगों ने मेरे डॉल को बढ़ाया है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी सैलरी फिक्स्ड है, मेरा धंधा चले ना चले। इनको ध्यान से देखिए, इधर आओ, ये लोगों को मेरी परवाह नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं इमोशनली ब्रोकन, फाइनेंशियली ब्रोकन, कोई मर्सी नहीं। सैलरी चाहिए? थोड़ा 50% ऑफ देगा बोलते नहीं, वो भी मुस्कुरा के, ये मुस्कुरा मजे लेने वाली है कि चलो अपना सेट बर्बाद हो रहा है। चलो ठीक है, बैठ जाइए। आप समझे, ये पिक्स, ऐसे लोग डीएफएल नहीं बढ़ाते। आज के बाद में अमर को जब भी देखा तो डॉल याद आना। तो दोस्तों, ओ मित्रों, मैं कुछ कहने जा रहा हूं, अभी मैं बहुत अंदर जा रहा हूं, देखिए। जिस दिन जनरेस कौन सा जिसका डॉल ज्यादा, अरे बोलो ना, उसका फिक्स्ड ज्यादा, यानी कि उसका रेंट, सैलरी या कोई प्रॉपर्टी टैक्स, जो धंधा चले ना चले वो सब क्या है, ज्यादा, यानी कि उसकी रिस्क क्या हो रही है। एक बात बताएं मुझे, ऐसा क्या मैं कह सकता हूं जिसका डॉल ज्यादा, भले रिस्क ज्यादा पर प्रॉफिट भी ज्यादा? क्यों?
आपने किराए पर गुरुकुल लिया तो रिस्क तो बढ़ाई आप, क्योंकि आपने रेंट ले अपने माथे पे मार लिया। पर क्या मैं लिखना सही होगा कि कभी धंधा अच्छा चले तो प्रॉफिट भी ज्यादा, क्यों? नहीं ना, तो मेरे ऊपर रेंट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट कैसे बढ़ा? कभी हो सकता है आपका सेल आपके ब्रेक इवन से जब ज्यादा हो जाए तो आप यू विल टर्न इनटू प्रॉफिट। एक तो गुरुकुल लाया ना तो वैसे तो जीरो ही है, पर लाकर कुछ तो ज्यादा मिलेगा। तो अगर उसका सेल उससे ज्यादा मिला, किससे ज्यादा? अरे हर एक धंधे का ब्रेक इन होता है जहां पे नो प्रॉफिट, मान लो ब्रेक इवन जो भी है उसके ऊपर सेल गया तो देन इट विल टर्न इनटू प्रॉफिट। यानी कि मैंने अगर रेंट ना दिया होता, गुरुकुल ना लाया होता तो वैसे तो जीरो प्रॉफिट था गुरुकुल के माध्यम से, पर गुरुकुल लाया, रेंट बढ़ाया, रेंट बढ़ाया, तो जो अगर सेल हुआ वो अगर गुरुकुल के खर्चों से अगर ब्रेक इवन से ज्यादा हुआ तो मेरे लिए प्रॉफिट भी तो होगा। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, सोचो उल्टा, अगर डॉल नहीं होता, मैं मानता हूं रिस्क नहीं होता पर प्रॉफिट भी ना होता, पर डॉल है, रिस्क है, हो सकता है। इसको दोनों एंगल से सोचना, अच्छा चला तो प्रॉफिट, नहीं चला तो घाटा, इसमें तेरा घाटा मेरा, ऐसा मेरे गुरुकुल का ओनर बोलेगा। क्या बोलेगा? इसमें मेरा तेरा धंधा चले। दोस्तों सुनो, बहुत आगे जाएंगे, आई थिंक जो मैंने लिखा है आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। मैं आपको उधर ले जाता हूं। अरे अपने क्या नाम उसका, एक मिनट रुको। है ये प्यार सजना हो गया अभी तो यही था अभी खो गया। कौन रो रहा है? छिछोड़ा है, क्या कर रहा है? हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। The middle class trap. You see the apartments in the background. Just take a guess. What is this? ओके गाइज लेट्स स्टार्ट। ए आंटी की आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ वही दीदी की आवाज नहीं आ रही। वीडियो फिर से लगाऊं? ए भाई क्या है ये आंटी की आवाज ही नहीं आ रही मुझे। चलो बगैर आवाज का देखेंगे। दोस्तों आपके सामने आ रहा है क्या लिखा है यहां पे? वाई हैज एयर इंडिया ऑर्डर एयरक्राफ्ट इन बल्क। ये है 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया इन्होंने।
Air India to buy 470 jets in one of the world's biggest aviation orders globally. Air India places the order of 840 planes. दोस्तों इतने ज्यादा ऑर्डर किए हैं, क्या बढ़ा लिया उन्होंने? अपना लोन की संख्या बढ़ा ली, डेट बढ़ा ली, आपको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? पर इसके बदले में क्या मिलेगा कंपनी को? फायदा भी तो मिलेगा एवरीबॉडी। ओके दोस्तों, कुछ सुनने का समय आ गया, मैं आपको ले जा रहा हूं। इधर भी आवाज नहीं आया तो क्या? साउंड मिक्स सेटिंग, साउंड सेटिंग, ये स्पीकर। भारी नुकसान और अब बड़ा फैसला लिया है कंपनी ने, आर पार की कानूनी लड़ाई लड़ेगा अदानी ग्रुप। डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी में भी अदानी ग्रुप अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो चुके हैं अदानी। आज तक डिजिटल बड़ी ब्रेकिंग, हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को पहुंचाया भारी नुकसान। नुकसान के बाद कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, आर पार की कानूनी लड़ाई लड़ेगा अदानी ग्रुप। डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी में भी अदानी ग्रुप अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो चुके हैं अदानी। तो हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को पहुंचाया है भारी नुकसान और अब बड़ा फैसला लिया है कंपनी ने, आर पार की कानूनी लड़ाई लड़ेगा अदानी ग्रुप। डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी में भी अदानी ग्रुप अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो चुके हैं अदानी। आप सभी जानते हैं, ये मैंने आपको न्यूज आज फिर से एक बार बताई, बिकॉज टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट DFL। कम ऑन गाइस, टेक इट आउट। और ये लोगों का पैसा है, ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है कि जब अडानी इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा FPO लेके आ रहा था, उसके 48 आवर्स पहले ये रिपोर्ट क्यों आई? आपने अगर हर्षद मेहता मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था कि अगर मैं गिरूंगा तो अकेले नहीं गिरूंगा, सबको लेके गिरूंगा। अगर इस पे 10-12% भी इंटरेस्ट लगा दिया जाए, जैसे नॉर्मल आदमी पे लगता है, तो इतना तो अडानी ग्रुप की कई कंपनियों का टोटल मुनाफा तक नहीं है। देखिए, जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आने के दो दिन के अंदर LIC का 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया था। और ये लोगों का पैसा है, ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया कि अडानी के एक शेयर का प्राइस इतने कम टाइम में इतना ऊपर चला? और ऐसे में जब SBI और LIC जैसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती हैं, तो गवर्नमेंट का भी नाम उछलता है कि समझ गया? गवर्नमेंट LIC has invested major funds in what Adani, because यही तो वजह थी कि सब लोग जो है कांग्रेस वाले वो बीजेपी को ही सुना रहे थे, आखिर तुमने LIC को मजबूर क्यों किया अडानी में पैसे लगाने के लिए? यू आर इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स ऑफ अडानी, अडानी के शेयर्स इतने महंगे मिल रहे थे, बावजूद उसके आपने उसका DFL इतना ज्यादा था, बावजूद उसके आपने उसके अंदर पैसे क्यों निवेश किए? कि ये अडानी के साथ मिले हिंडनबर्ग, हार्डनबर्ग, हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। एक है, और ये एक ऐसा इंसिडेंस है जिसको मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बैठा के नहीं भेजना चाहिए था। ये पूरा इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। नेथन एंडरसन, ये एक इजरायली सिटीजन है जो एक जमाने में जेरूसलम में एम्बुलेंस चलाते थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की, और ये जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ था, इसके नाम से 2017 में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। नेथन का कहना है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग का हादसा मैनमेड था, इसमें इंसानों की गलती थी, उसको रोका जा सकता था, ऐसे इनकी जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, ये दुनिया में ऐसे फाइनेंशियल मैनमेड डिजास्टर जिनको रोका जा सकता है उनको ढूंढती है और लोगों के पैसे को बचाती है। इस कंपनी को खोलने से पहले नेथन ने हैरी मार्कोपोलोस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था, जिसका नाम बर्नी मैडोस पोंजी स्कीम था। आप अगर सर्च करोगे बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन द हिस्ट्री तो आपको मिलेगा, वहां पे हैरी का नाम मिलेगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पे नेथन उन्हीं के साथ काम करते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बोला जाता है, जो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसको शॉर्ट सेलिंग वाला नाम बोल रहा है, पता ना क्या शॉर्ट सेलिंग? ओके गाइस, आप लोग सभी लोग जानते हैं फॉरेंसिक फाइनेंशियल एजेंसी हिंडनबर्ग ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट जारी कर अदानी समूह की कंपनियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। इनमें गलत तरीके से कंपनियों के शेयरों में उछाल लाना, फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला कारोबार और ऑडिटिंग को लेकर। ओके रिलैक्स गाइस, हमें तो इतना मतलब है, इनके पास में बहुत सारा डेट है और ये डेट इतना ज्यादा है, इसकी अमाउंट आपके सामने ये रही, आप कितनी है ज्यादा, इतनी ज्यादा
ये सब डेट देखो किस तरह से इनका डेट, ये डेट का पूरा चार्ट देखिए कितना डेट है, 2.1 trillion रुपीज अडानी ग्रुप स्टेट्स हिट, यही तो है, इसलिए कहते हैं अडानी ग्रुप का क्या ज्यादा है, डीएफएल बहुत ज्यादा, द डीएफएल ऑफ अडानी इज वेरी हाई, इसका मतलब कंपनी का डेट इज वेरी हाई, यानी कंपनी का रिस्क इज वेरी हाई, ओके। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो अडानी के अगेंस्ट में बने हुए हैं। एनीवेज गाइस, कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं ये बुरा है, आप बताओ अच्छा है कि बुरा है? कुछ लोगों को अच्छा लगता है बिकॉज बोलते हैं कि इतना डेट इसलिए लिया होगा बिकॉज को बहुत कुछ करना होगा, दैट वाज द रीजन। बट एनीवेज गाइस, इस समय की इतनी बात अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो रिस्क ही बहुत है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पता नहीं बट रिस्क ही बहुत है। ओके गाइस, कम ऑन चेक इट आउट, मैं आपके सामने ऐसी चीज लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे हमने डॉल और डीएफएल को इस कॉन्सेप्ट समझना है। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट नाउ, ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये है सेल, ये है वेरिएबल कॉस्ट, और ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, सही है, ओके। ये है हमारे पास बिफोर, या फिर मान लो हम लोग इसको बोलते हैं ईयर वन, फाइनेंशियल ईयर 23 FY 24, और मैं यहां पे लिखता हूं कितना हुआ चेंज, ओके। अब था हमारा सेल 20,000 और वो हुआ इस साल 24,000, बताओ कितना परसेंट बड़ा सेल, अरे 20,000 का 24,000 हुआ रे, तो कितना लिखो जा रहा हूं, 20% सही है, वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 30% की है, क्या करूं मैं इसका, बोलो क्या करूं, 30 यानी कि 6,000 और ये कितना 7,000, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, सही है, मान लो फिक्स कॉस्ट 4,000 की, सही है एवरीबॉडी, अब क्या करूं मैं इसका, इंटरेस्ट कितना, मान लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो भी होगा मान लीजिए 5,000 इंटरेस्ट, तो बाद में भी इतना फाइव आएगा बिकॉज इट इज फिक्स्ड, सही है। आपसे मेरा प्रश्न है, आप बताओ 6,000 का 7,200 हुआ वेरिएबल कॉस्ट, कितना बड़ा, obviously variable cost is what will increase in the proportion of sale, so I can write here 20%, very good, बताओ बच्चों contribution कितने से बढ़ा, 14,000 का 20% कितना था, 2,800 रुपया, तो ये भी तो 2,800 रुपये से बढ़ा है, can I say 20% increase हुआ, 14,000 का 16,800 ने कितना change हुआ, 20% undoubtedly, right everybody, आप बताएंगे 4,000 का 4,000 0%, इधर भी 0%, EBIT कितना बढ़ा, अरे बोलो यार, ये बढ़ा 28% एवरीवन, और आप बताएंगे मुझे ये बढ़ा 5,000 का बढ़ा 7,800 56% एवरीबॉडी, अभी ध्यान से देखना, आपको जवाब देना जो मैं कह रहा हूं, आप बताओ बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूंगा DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज कौन सी कॉस्ट की वजह से आता है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं ये फिक्स्ड कॉस्ट ने क्या किया, ये फिक्स्ड कॉस्ट ने क्या किया, ये फिक्स्ड कॉस्ट ने क्या किया, बराबर है ना, यानी कि इसकी वजह से क्या वो इंपैक्ट हुआ, इसके वजह से जो इंपैक्ट हुआ, यानी दोनों का डिफरेंस हो सकता है, हे भगवान वापस, क्या इन दोनों का डिफरेंस तो डॉल होगा, डॉल आता ही नहीं अगर मेरे जीवन में गुरुकुल होता ही नहीं, डॉल आता ही नहीं अगर मेरे जीवन में रेंट नहीं, सैलरी नहीं, I'm so sorry, मैं ऐसा बीच बीच में किया तो आई एम वेरी सॉरी, मैं कभी अपने आपको रोक, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलता हूं, वो बोल रहा है इतना ठीक था कि हो, मैं
मैं अगली बार चीखने से पहले आपको सावध करूंगा, मैं चीखने वाला हूं। ठीक ओके गाइस, दोस्तों आप लोगों ने यहां पे एक चीज पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, अकर्स ड्यू टू फिक्स द ऑपरेशनल कॉस्ट। अरे बोलो हाँ या ना, यानी कि दोस्तों डॉल इज नथिंग बट द इफेक्ट ड्यू टू फिक्स द ऑपरेशनल कॉस्ट। बताओ यहां पे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां पे क्या एबिट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो होगा, वही तो क्या होगा। अगर 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 मैंने कल आपको फॉर्मूला क्यों और कैसे आया वो नहीं बोला था, बोला था कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बेटी। कल मैंने आपको ऐसा लिखा था पर मैंने आपको वक्त ना था इसलिए समझाया नहीं था, पर मैं आज समझा रहा हूं फॉर्मूला ऐसा क्यों बना। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज द फॉर्मूला ऑफ डॉल, बट टेल मी व्हाई, बिकॉज इट शोज द डिफरेंस बिटवीन और द इंपैक्ट क्रिएटेड ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल नेचर की। यहां पे भले ही बच्चों मैं यहां पे जब फिक्स लिखता हूं ना तो इधर ऑपरेशनल लिहाज गरजेच नहीं है, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल ही होता है। आई डोंट नीड टू राइट ऑपरेशनल बिकॉज इट इज बाई डिफॉल्ट ऑपरेशनल। ओके कम ऑन गाइज, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डॉल याद ना करो, वैसे ही बोलो क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बिकॉज ये कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी इज नथिंग बट द डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू फिक्स्ड कौन सी कॉस्ट ऑपरेशनल को, यानी डॉल का फॉर्मूला बोलिएगा, डॉल इज इक्वल टू अपॉन, और आप मुझे बताओ कितना था कॉन्ट्रीब्यूशन 14,000, इसका कितना था, अरे बोलो ना, तो 14 अपॉन कितना, तो कितना हुआ, इज दैट ओके। पर अगर मैं आपको डीएफएल पूछू तो अगर मान लो डॉल का फॉर्मूला ये है तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या होगा, DFL is nothing but the impact created due to fixed financial cost. Can you please tell me the formula now? EBIT or EBT ka jo difference hai, that is nothing but, or and you can say it is the EBIT upon EBT formula, isliye because it exactly shows the impact created due to the fixed financial cost. Isliye formula EBIT upon EBT. Barabar hai? बिकॉज यहाँ पे हमने जब लिखा था तो मैंने आपको यही बोला था फाइनेंशियल लेवरेज इज नथिंग बट, यानी कि डीएफएल ही होता है ना, डीएफएल इज नथिंग बट व्हाट, अकर्स ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। और वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर डालना पड़ेगा ईबीआईटी को, नीचे डालना पड़ेगा ईबीटी को, बिकॉज ये फिगर कितनी है, ये कितनी है, तो दोनों में इंपैक्ट क्यों आया, तो फॉर्मूला वही आएगा ना, ईबीआईटी कितना 10,000, ईबीटी कितना 5,000, तो अब कितना लिखूं मैं, ये 10K, ये 5K, ये आ गया 2, बराबर है एवरीवन। अब मुझे ये फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से समझाना है, ये तो ये मैं स्कूल तक रखता हूं, डॉल F1 DFL F1 यानी कि फॉर्मूला 1, अब मैं आपको F2 सिखाता हूं। सर कैसे सिखाओगे आप, देखो अब मैं ऐसे करूं तो आप भी ऐसे ऐसे करना, ऐसे शोल्डर ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, बेटा आप अलग ही कर रहे हो, बच्चों को सुलाना नहीं है, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ओके बच्चों ऐसे ऐसे करो, लाइव स्ट्रीमिंग वालों घर पे ऐसे ऐसे करो, ऐसा ऐसा नहीं है, डॉल को समझने का और एक तरीका, जितना परसेंटेज में आपका सेल बढ़ेगा उससे कहीं गुना ज्यादा परसेंटेज में आपका एबीआईटी बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो मान लेना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डीएफएल राज करता है, यानी कि देखो आपका सेल बढ़ा 20% से पर आपका ईबीआईटी बड़ा 28% से, सेल 20%, यस, और ईबीआईटी 28%, ऐसा क्यों पर हुआ,
वहीं पर रुक जाना, अरे रुक जाओ यारो। एक मिनट रुको यार, तुम्हारा वो तुम्हें एंड तक क्यों ले जाते हो यार? वैसा वैसा होना ये चाहिए था भाई और मैं ना, अगर 20% का सेल बढ़ा था तो आपका ईबीआईटी भी 20% से ही बढ़ना चाहिए था। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 20% से सेल बढ़ने के बावजूद ईबीआईटी 28% कैसे हुआ? अमर इस चिंटू के पास माइक दे, एक होनार बच्चा है, नहीं मतलब आप नाम से और ये सर फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से थोड़ा विस्तार में बताइए, हमें विस्तार में समझ आता है। अमर ये क्या बोल रहा है सर? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट अगर हमारी बजट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी तो सर हमारी डॉल भी बढ़ती है, तो ये हिसाब से प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूं आपकी जानकारी के लिए, आप मुझे अच्छे से समझाना भैया, मैं आपकी बाजू में देख क्या कर रहा हूं यहां पे। अगर मान लो जी ये सुनो ना, अगर मैं 20, 24 ये हुआ 6000, ये कितना हुआ 7200, ये कितना हुआ 14000 और ये 16। सर ये तो आपने पहले जैसे लिख दिया। अरे एक मिनट रुको तो सही, हम आपको भी फिक्स कॉस्ट जीरो करके दिखाते हैं। जीरो जीरो फिक्स कॉस्ट जीरो, यार कितना हुआ 14000। बताओ बच्चों क्या हुआ, कितने से आपका बढ़ा था सेल? आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कितने से बढ़ा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी, और आपका ये भी। अभी बेटा यहाँ पे तो सेल जितने परसेंट से बढ़ा था ईबीआईटी भी परसेंट से बढ़ा। ये बेटा यहाँ पे ये 20-20 मैच हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिक्स्ड अब बता दे, पूरा विस्तार में बता दिए हमने। बेटा इनके पास माइक दो, इनके चाहत है। क्योंकि सर ये फिक्स्ड कॉस्ट सेम थी, तो जितना खर्चा पहले हमारी सेल हो रही थी उस पर भी उतनी फिक्स्ड कॉस्ट थी, और जो हमारी बढ़ गई सेल उस पर भी उतनी थी, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो गया। ये पहले वाले केस में, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें जीरो है फिक्स्ड, और वेरिएबल सेल पे वेरी करती है, इसलिए रिमेन सेम। तो जिस जगह पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होगी तो समझ जाना जितने परसेंट से आपकी सेल बढ़ रही होगी आपका ईबीआईटी भी। यानी कि दोस्तों, अगर आपको यह समझना है कि जिस परसेंटेज में सेल बढ़ रही है उससे ज्यादा परसेंट में अगर आपका ईबीआईटी बढ़ रहा है, इसका मतलब उस कंपनी में डीओएल है या नहीं है? और यहां 20 से सेल बढ़ा, 20 से ईबीआईटी बढ़ा, तो इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है। एक फॉर्मूला बता रहे हैं, सुन लेना सर। डीओएल का दूसरा फॉर्मूला डीओएल F2, मैंने वो ऐसा ऐसा एक्शन वाला अभी आएगा, उसका मतलब देखो कितना, कितने परसेंटेज में सेल्स, ऐसा करो कितने परसेंटेज में सेल। बेटा इतना ऐसे करो, कितने परसेंटेज से सेल चेंज हुआ? अरे कर ही नहीं रहे हो आप, अरे ऐसा क्या कर रहे हो, दे दो एक मिनट, सब लोग ऐसे साथ में करेंगे, बड़े अच्छे लग रहे, क्यूट लग रहे हो। अब बेटा ऐसा ऐसा थोड़ी ना है, क्यों ऐसे करो, बोलो कितने परसेंट से सेल चेंज हो रहा है? जो नहीं करेगा ना वो फेल हो जाएगा। रुको, कितने परसेंट, सर मैं करता हूं, कितने परसेंट से सेल चेंज हो रहा है, कितने परसेंट से ईबीआईटी चेंज हो रहा है?
मतलब ऐसे ऐसे नहीं है, कितने परसेंट से ईबीआई, जैसे पहले ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। ओके गाइस, मैंने ऐसा क्यों किया वो याद रहने के लिए, ये क्या ऐसा क्यों कर रहा है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो एक ऐसे ऐसे एक ऐसे ऐसे, ओके बताएंगे जल्दी से। नंबर वन गाइस, कितने परसेंट से बदले में, कितने परसेंट से, ये बच्चा ऐसा ऐसा कुछ नहीं था यहां, ऐसा ऐसा था, ये ऋषि ने कह रहा ऐसा, ये कोई बात हुई, आप एक बार मेरे साथ में एक बार और इसका उपयोग करें, बोले भी और एक्शन भी करें, दोनों साथ में जब बोलो कित, वन टू थ्री सर, कितने परसेंट से सेल चेंज हो रहा है, बदले में कितने परसेंट से ईबीआईटी बढ़ रहा है, बोलो सेल सेल ईबीआईटी बैठी सेल सेल, कोई मुझे बताएगा कैसे आंसर आएगा इसका, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बोलो कितना था, अरे बोलो ना, 20 था ना, लिखो 20, सही है, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है, ये कितना आंसर आएगा, देखो दोनों फॉर्मूला का आंसर मैच हो रहा है, मैंने आपको बोला था दोनों भी सेम ही है दोस्तों, फॉर्मूला चाहे वन हो, चाहे फॉर्मूला चाहे टू हो, आंसर शॉल रिमेन, चाहे एफ वन का फॉर्मूला हो चाहे एफ टू को, आंसर मस्ट रिमेन सेम। सर डॉल तो डॉल होती है, दो दो फॉर्मूला क्यों लिए, बिकॉज क्वेश्चन में कभी कभी वैसा डेटा दिया होता है, तो समटाइम्स यू हैव टू यूज एफ वन, समटाइम्स यू हैव टू यूज एफ टू, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, the question is sometimes they can ask for F2, you have to use F2 formula, sometimes they may ask you about F1, you have to use F1, but in the most of the cases F1 is highly used, but sometimes the data given in the question is maybe or might be relevant to F2, you have to use F2 or else you will not be able to answer the question, got it? Bolo ek bar aise 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 karenge, abhi dekhna nahi hai, percentage change in परसेंटेज, अच्छा और एक बार करने का मौका मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि अपने पास में डीएफएल के अंदर वो भी तो है ना, डीएफएल एफ टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, मैंने जो लिखा सही है, ओके एक बार करो ऐसे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन, कुछ लोग इतना गंदा कर रहे हैं, मतलब मुझे बहुत लोग ऐसा बहुत वियर्ड नजर आ रहा है, पता नहीं कोई ऐसे ऐसे कर, आपके हाथों के इशारे बिल्कुल बताइए बड़े बड़े बेकार टाइप के हैं, लोग गलत समझ बैठे कि क्या कर रहे। अच्छा सुनो जो मैं कह रहा था, एक काम करते हैं, इसको एक बार ट्राई करते हैं, इसका आंसर क्या रहा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी 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 56%, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ईबीआईटी कितना रहे 28%, आंसर कितना है, अरे इधर बिटू इधर बिटू, वैसे आप मुझे बताएं यहां पे आपका, मैं अगर मैं आपको इसका आंसर ऐसा बोल सकता हूं कि इसका आंसर वन कब आएगा, इसका वन आएगा जब आपका फिक्स कॉस्ट जीरो रहता
अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को यूज करके अगर मैं यहां पे डॉल टू निकालता तो बोलो क्या आंसर आता यहां पे, नीचे क्या चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स एबीआईटी, ओके सेल कितना बढ़ा, 20% चेंज हुआ, और ईबीआईटी कितना चेंज हुआ, ये सुनो कब की बात है, सुन लो, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ये जीरो कॉस्ट थी फिक्स, उस केस में आपका लेवरेज जीरो नहीं आता। अर्थ क्या है, अर्थात क्या, जितने परसेंट से मेरा सेल चेंज हुआ 20% से, ठीक मेरा प्रॉफिट भी 20% से, यानी कि आपकी कंपनी में कोई लेवरेज नहीं है। जब कोई कंपनी का बैलेंस शीट या कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज आप चेक करोगे, वहां पे लिखा हो कंपनी का डीएफएल 1, तो समझ जाना कंपनी का रिस्क का सबसे लो। सर अगर मान लो कोई कंपनी में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ, वो डॉल है या डीएफएल है, सिर्फ लिख दिया लेवरेज 1, तो हम क्या समझे ऑपरेशनल लेवरेज 1 है या डीएफएल 1 है, उसका मतलब क्या है। इसलिए दोस्तों लेवरेज लिखा, इसका मतलब डीसीएल कॉम्बाइंड लेवरेज, कॉम्बाइंड, बिकॉज ही इन्वेस्टर डजंट बॉदर वेदर इट इज डॉलर और डीएफएल, वी जस्ट वांट चेक कि कितना रिस्क है भाई। अगर तो अगर आपको दोनों को साथ में लिखना, आपको दो दो लाइंस नहीं लिखना, आपको एक लाइन में खत्म करना है, तो क्या लिखोगे, डीसीएल, और डीसीएल इज नथिंग बट डॉलर मल्टीप्लाई बाय डीएफएल, आंसर इज डीसीएल। सर डीसीएल इज बाय प्रोडक्ट, ये बच्चा ऐसा जिसमें मेहनत ही नहीं करना पड़ी, बगैर मेहनत का बच्चा हुआ है। मेहनत आपको डॉल में करना पड़ेगी, मेहनत आपको डीएफएल में, डीसीएल बच्चा ये अपने आप ही हो जाता है। सर क्या मतलब है, देखो ना मतलब समझाता हूं, सर मतलब जिसके पास में डॉल है डीसीएल है, डॉल है डीएफएल है, तो डीसीएल निकल गया, तो इधर कितना है 1.4, इधर कितना है 1.4, ये 2.8 हो गया, That's all over. सर मतलब डीसीएल पूछा ना तो मतलब नो ब्रेनर, डॉल डीएफएल मतलब डीसीएल बच्चा पैदा हो गया। कभी कभी क्या होता हूं ना, जानबूझ के डॉल दो, डीसीएल 2.8, फाइंड आउट डीएफएल, तो 2.8 को 2 से डिवाइड करो, 1.4 आ गया, इट्स दैट इजी, ओके गॉट इट। नहीं मुझे और एक दो बातें बता दो, फिर अपन लिखने वाला काम करेंगे। मैं लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर आप सभी को पूछना चाहता हूं, जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, क्या आपको ये फॉर्मूला जब आप पढ़ रहे हो और ये पढ़ रहे हो, क्या आपको पढ़ते समय ऐसा कुछ महसूस हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है, और यू अंडरस्टूड वर्ड, नहीं नहीं ये तो लिखा बराबर है अपने, पर आपको ये समझ आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो दो फॉर्मूले क्यों है, डिपेंड्स ऑन डेटा कौन सा यूज करना है। अच्छा ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी फॉर्मूला क्यों है, कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में अक्सर फर्क तो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का ही है ना, ऑपरे और डॉल का मतलब ही होता है ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आता है, और जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, तो उसको बोलते हैं डीएफएल, तो डीएफएल कैसे ढूंढेंगे, ईबीआईटी अपॉन, अरे ईबीआईटी अपॉन, ये तो लिखा है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी, क्लियर है। और ये अगर 1.4 इसका मतलब बताओगे क्या है, नहीं इसको इंटरप्रेट करो 1.4 का मतलब क्या है। अगर आप 100% आपका सेल बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट 140% बढ़ेगा 1. या फिर आपका 1% से सेल बढ़ रहा है, परसेंट में बात करने का, तो 1.4% से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कि आपको मोटिवेशन भी है। क्यों मोटिवेशन है, आप एक सेल बढ़ाओ आपका प्रॉफिट 1.4 से बढ़ता है, इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन ओनली। होना क्या चाहिए, 1% से सेल बढ़ा प्रॉफिट भी 1% से बढ़ा, ऐसा होना चाहिए, पर यहां पे इट इज अ मोटिवेशन, आप 1% से ज्यादा बढ़ा के आपका ये व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज आपका सेल भले ही बढ़ता है, बोलो आगे क्या होता है, तो आपको फिक्स कॉस्ट को एडवांटेज उठाना है।
तो इसलिए तो एयरलाइन कंपनी इतना ज्यादा मार्केटिंग करके एयरक्राफ्ट में लोगों को बिठा के उड़ाती है, क्योंकि उनको पता है 10 भी उड़े तो भी उतना ही पैसा लगेगा, 200 भी उड़े तो भी उतना पैसा, इसलिए कुछ धंधे में मार्केटिंग करना जरूरी हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ बिजनेसेस यू नो हु आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग और मे बी दोज़ हु हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑन फाइनेंस एंड दिस, तो उनको बहुत मार्केटिंग करके सेल बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कब फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि आपको सेल कितना भी बढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट सेम, सेल कितना बड़ा तो मेरा ऑपरेटिंग जो फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट है वो सेम, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सेल बढ़ाओ, बहुत सेल बढ़ाओ, बदले में क्या होगा आपका प्रॉफिट उससे उतना ही बढ़ेगा, उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा परसेंटेज में बढ़ेगा। आपको कंसेप्चुअलिटीज क्लियर, कोई डाउट, कोई शक, सवाल? एक बस इतना सुनो ना, ना मेरे पास, मैं आपको डीसीएल का और एक फॉर्मूला बताता हूं, डीसीएल का और एक फॉर्मूला, कहते हैं इनको दोनों को आमने सामने खड़े कर दो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, कट कट, मतलब कुछ नहीं होने ऊपर, ये तो मैथमेटिक्स है ना, अभी इसमें मत पूछना कहां से है, ये काट डालो इनको ईबीआईटी, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 14,000 का, ईबीआईटी कितना, ईबीटी कितना है 5,000, तो 14,000 अपॉन 5,000 आंसर 2.8, ये तो आया था ऊपर भी, और आपको पता है तीसरा फॉर्मूला ऑफ डीसीएल, डीसीएल का तीसरा फॉर्मूला, डॉल को डीएफएल से मल्टीप्लाई करो और फॉर्मूला ये लगाओ, कौन सा बताओ डॉल का फॉर्मूला, एफ टू वाला, परसेंटेज चेंज इन से, कितने प्रमाण में सेल बढ़ा, बदले में कितने गुना आपका चेंज इन किस में मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन, बता दो क्या करूं, काट डालो परसेंटेज, ईबीटी कितना है अपना, अरे अपना ईबीटी कितना है 5,000 है, अरे बोलो यार, और क्या है, सेल कितना है, अच्छा परसेंट, ओके ओके सर, ईबीटी कितना चेंज हुआ, ईबीटी ये 56% है और सेल कितना परसेंटेज है 20, तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 56%, ये लिखूंगा 20%, ये क्या बन जाएगा, तो चाहे आप ऐसे आंसर निकालो 2.8, चाहे ऐसे निकालो 2.8, चाहे ऐसे निकालो 2.8, आप बताओ आपके दिमाग में कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, या फिर पूरा लिखकर हो जाने के बाद डाउट पूछ सकते, यू कैन आस्क मी एनी डाउट, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आल्सो, आई हैव टोल्ड यू व्हाई आल्सो, बताओ ये जो एक से ऊपर कब कब जाता है, 2, 3, 4, 5, 6 कब होता है, कब है? आपकी जितनी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़, आपका चलो डीसी, अब एक काम करो डीसी लेते कॉम्बिनेशन ऑफ, तो 2.8 का मतलब क्या हुआ, नहीं तो मतलब क्या है 2.8 का, आप 1% से सेल बढ़ाओ, आपका जो पैड है पैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 2.8% से बढ़ेगा, नहीं समझा वापस बोलो, पीबीडी मान लो, बात तो पैटर्न में भी उतना ही आएगा ना, बिकॉज बिफोर आफ्टर में टैक्स तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इधर भी 30% कटेगा उधर भी कटेगा, वो छोड़ दो, पीबीडी मानो पैट मानो, एक ही बात, आपसे मेरा एक प्रश्न है, वापस बोलता हूँ, डीसीएल 2.8 है किसी का, ये लेवरेज किसी ने बोला, किसी की बैलेंस शीट में आपने पढ़ा या किसी के वहां पे पढ़ा, फाइनेंशियल जो था ना screener.in में मनी कंट्रोल में आप गए वहां पर दिख रहा कि इसका 2.8 है, तो उसका मतलब क्या होगा आपकी नजर में, एक कंपनी का फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, मतलब जीरो है क्या, ज्यादा है, और एक बोला तो, एक बोला तो जीरो, और एक से ज्यादा है तो, एक बोला तो जीरो और एक से ज्यादा है तो, मेरे वो 2, 3, 4, 5, 6 तो मैं बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट है, यानी कि कोई कंपनी का 2.8 है तो मतलब क्या, अगर कंपनी का अगर सेल 1% से भी बढ़ा ना तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी 2.8% से, यानी ऐसे कंपनी को मोटिवेशन है कि डीमोटिवेशन है, मोटिवेशन टू वर्क हार्डर एंड सेल मोर, बिकॉज दे नो इफ दे सेल मोर
they can get more. Sell more, get more. Sell more, get more. If what? If you work harder, if you sell more, obviously आपने जितना प्रयास किया है उतना नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. आपको पूरा देखो, मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखा दिया, मैंने आपको उसको इंटरप्रेट करना भी सिखा दिया. आज के बाद में किसी के भी डेटा में अगर लेवरेज प्राप्त हो तो आपको ये पता है उसका मतलब क्या हो रहा है. डॉल बोला तो किसकी वजह से आता? फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट. डीएफएल किसकी वजह से आता? और डीसीएल किसकी वजह से आता? कॉम्बिनेशन. सिंपल एज सिंपल एज दैट. और एग्जामिनेशन में आपको कोई नहीं पूछेगा इसका मतलब बताओ, इंटरप्रेट डॉल. नोबडी इज गोना आस्क यू, फाइंड आउट डॉल, फाइंड आउट डेविल. दैट्स इट वॉर. दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो वेदर यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डॉल. दे जस्ट वॉन्ट यू टू फाइंड आउट डॉल. गंदा है पर दंदा है. वैसे होना क्या चाहिए भैया? डॉल डीएफएल निकालने के सॉफ्टवेयर मौजूद है बाजार में, अपने को निकालना नहीं पड़ेगा. जब हम लोग सीए बन जाएंगे, आपको इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? या फिर आप किसी के यहाँ पे काम कर रहे हो, आर यू आर वर्किंग विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी. हम मालूम है कि मेरा वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज इन कोलकाता, इज वर्किंग विद वन, ये क्या एक पी फंड है, मैराथनेज, वहां पे काम करता है. सोचिए, इसका मतलब आप जैसे सीए क्या करोगे? समटाइम्स यू विल बी वर्किंग एज एन इन्वेस्टर. आपको आपका बॉस बोलेगा, देखो ये चार एबीसीडी चार कंपनी है, बताओ कौन सी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सबका लेवरेज है. आप बोलेंगे मैंने तो ये तो आउट ऑफ सेल है, वैसे मेरे को तो लेवरेज निकालना था, इतनी लेवरेज तो ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, मुझे क्या करना है? तू बोलना कौन सा अच्छा है. हमें क्या करने लगा रहे, गधा मजूर. एक्चुअली अब तो जानते हो चैट जीपीटी भी आ गया. अब चैट जीपीटी में डालो, वो खटाखट आपको देगा ये इसका ये, तो आगे फ्यूचर में ये सब काम में नहीं आएगा. एक बार सीए बन जाओगे तो आपको कुछ काम है ना, इनकम टैक्स निकालना है, कुछ निकालना है. जब तक आप सीए बनोगे सब चैट जीपीटी करेगा. ओके, तो जो पढ़ रहे सब यूजलेस है, ठीक है. बट आपकी कसम, ये जो कर रहे हो आप, ये फाइंड आउट, कैलकुलेट, कंप्यूट, ये सब एआई करेगा. आपका काम होगा उसका इंटरप्रिटेशन. आप खुद अपने आप से पूछो जो मैं बोल रहा हूं. मैं आपको अपने सिलेबस के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन चैट जीपीटी में डालता हूं, वो आप क्या आंसर दोगे, वर्किंग नोट के साथ बना के देता है. एक मेरे रिश्तेदार है, शी इज वर्किंग विथ वन ऑफ द लॉ फर्म. तो बोले अच्छा हो चैट जीपीटी में बच जाती हूँ रोज रोज, वरना बहुत डांट खाना पड़ती. मैंने कहा कि बोले सर मैं मतलब मामा मैं जूनियर हूँ और वो मुझे काम बोलते कुछ भी करने के लिए. अब मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, अब मैंने LLB भी टाइम पास में किया. तो मैंने कहा बेटा फिर कैसे करते हो? बोले कुछ नहीं, चैट जीपीटी है ना, मुझे जो काम बोलते मैं चैट जीपीटी को बोल देती हूँ, वो जो आंसर देता मैं सर को प्रेजेंट कर देती हूँ. मैंने कहा बेस्ट है, बहुत आगे जाएंगे आप. नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाला कल जो है आर्टिकल्स के लिए काम वो गधा मजूरी वाला नहीं रहेगा. यू विल बी एबल, अगर आप तभी टिक पाओगे जब आप क्वालिटी काम कर पाओगे. ये सब चिल्लर काम जो अभी AI कितने आ रहे ना, ओपन AI आ रहे भाई. आप जानते हो ना ये ओपन AI कॉन्सेप्ट क्या है? ये ओपन AI में क्या होगा सब कुछ, अभी तो उसका ये तो बीटा वर्जन चल रहा है. अभी मेन वर्जन जब आएगा ना चैट जीपीटी का, खत्म है. वो सब काम तो खुद कर लेता है. हमारे ऑफिस में कंटेंट क्रिएटर थे पहले, कंटेंट राइटर. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मुझे कंटेंट लिखना है तो मैं बोलता था, फिर वो बेचारा अपनी इंग्लिश से अपने बुद्धि से कंटेंट लिखता था. अच्छा, दो कंटेंट देखो कैसे जॉब जा रही बहुत लोगों की. वो कंटेंट राइटर की जॉब, दो कंटेंट राइटर थे मेरे पास, 30-40 हज़ार की नौकरी थी, वो चले गए. अब मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ. मैं उसको बोलता हूँ, वो मेरे एम्प्लॉय से अच्छा इंग्लिश लिख के मुझे रिप्लाई कर देता है. अगर मैंने बोला आज मुझे किसने बर्थडे विश किया, उसको रिप्लाई देना अच्छा इंग्लिश में, शुद्ध इंग्लिश में. क्या इंग्लिश बोलता है वो? मुझे कुछ बोलना है मैं बोलता हूँ, लिख के देता है. मुझे अगर बोलना है कोई ऑफर देना है उसका, अच्छा एक ड्राफ्टेड SMS बना के दो, ऑसम, एक नंबर बना के देता है. इसका मतलब आपकी जॉब खतरे में है. आप समझ के लो मैं जो बोल रहा हूँ. आपको कोई भी जॉब पे नहीं रखेगा वो चिल्लर कामों के लिए. कौन से काम करना पड़ेगा आपको? इंटेलिजेंट. अगर आपको ये एग्जांपल लेवरेज की बात है, लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपकी जरूरत क्यों पड़ेगी जब चैट जीपीटी है? तो वो क्या बोलेगा, ये लेवरेज का मतलब बता, क्या करे, इन्वेस्ट करे नहीं करे, तो आपको तब पता होना चाहिए करे क्या. तो आप ये मत समझो, क्या होता ना हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न भी थोड़ा सा बिगार सा टाइप का है, जिसमें ये सब फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट. अरे इनकम टैक्स में भी क्या सिखाते, कंप्यूटर. क्यों सिखा रहे कंप्यूटर?
टैक्स कंप्यूटेशन क्यों? अरे वो सॉफ्टवेयर खुद करने वाले, आपको क्या करने का, पांच हेड गुजर दो अपने आप कंप्यूट करते हैं। अरे आप क्या करोगे, आपसे अच्छा करता है, एग्जम्पशन के साथ एग्जम्पशन डिडक्शन सब करके निकाल देता है वो, पेनल्टी 234 के लगा के सब इंटर जोड़ के सब दे देगा आपके हाथ में। आपको थोड़ी ना करना पड़ता है, पर आपको क्या इनकम टैक्स में क्या सिखा रहे, ये सब सिखा रहे। यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दी, जो ऑटोमेशन यानी कि जो सब्जेक्ट ईएएस वो आपकी जिंदगी में इतना ऑटोमेशन लेके आ रहा है तो कोई सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। ये सब जो हम लोग कर रहे गधा मजूरी है, एक्चुअली क्या है, ये सब आपके जीवन में काम में आना नहीं, ये सिर्फ एग्जामिनेशन में पास होने की एक हम लोग जो कर रहे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। पढ़ना क्या चाहिए, वाई लिवरेज, वॉट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज, हाउ इट इज टू बी यूज इन द इंडस्ट्री, इसका फायदा क्या है, इसको कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपका जब पढ़ोगे आप, अगर सच में आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट आ रहा है तो ये कैलकुलेशन से ज्यादा और कैलसी चलाने से ज्यादा इस पर फोकस करना कि मतलब क्या है इसका। सच में बोल रहा हूं, आप में से 10-20 लोग अगर फाइनेंस में चले गए ना, मतलब आई विल बी सो हैप्पी, और आपको जो पैसा मिलेगा ना करोड़, बहुत पैसा है फाइनेंस में, पर वही बंदे को जॉब लगेगी जो ये फाइनेंस समझता है, क्योंकि वो इंटरव्यू में आपको फेंक देगा वो निकाल के, वो इंटरव्यू में नहीं बोलेगा इसका लेवरेज निकाला तो लेवरेज का फॉर्मूला बोल रहे, वो इंटरव्यू बोलेगा बेटा ये कंपनी बता कहाँ निवेश करेगी आप, बता कौन सी कंपनी में रिस्क है, वो बोलेगा ये कंपनी को इतने इतने एयरक्राफ्ट लेना है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो तब आपके नॉलेज को शो किया जाएगा। तो ये क्यों बता रहा हूँ, ये FM सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत पैसा है, इसके सब पैसा ना अकाउंट्स में है, ना ऑडिट में है, ना किसी में है, सबसे ज़्यादा पैसों की बारिश ये सब्जेक्ट करेगा। अगर आपको लगता है सच में आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है तो ये सब्जेक्ट के अलावा आपके पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। प्लीज अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द लॉजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक दो अटेम्प्ट कम ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पास होने के बाद में सिर्फ होना चाहिए इज्जत और पैसा, समझे? मैं आपको बताया, बाकी तो पास तो सब लोग हो जाएंगे। अब एक काम करेंगे, इज्जत से लिखना चालू करेंगे, आ जाओ ना। कौन बोला ब्रेक बे, अभी तो शुरुआत हुई। ए ओयो, हे गाइस वेलकम बैक, प्लीज राइट डाउन। किसका लॉस हुआ, क्या बात कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन में चैट जीपीटी यूज कर लिया बच्चे ने, फिर क्या हुआ? पकड़े गए, मजा आ रहा होगा ना, आप भी लेके जाना एग्जाम ने, साला सब पास। सर एजुकेशन सिस्टम में भारत के बहुत लूप होल से, बेटा बिल्कुल सही, चैट जीपीटी के बाद में मुझे लगता है पूरा पैटर्न चेंज होना चाहिए, मैं तो खत्म है। पहले गूगल सर्च इंजन में और चैट जीपीटी में फर्क है, आपको पता है ना? वो चैट जीपीटी क्या करता है, वो मतलब वो सब आपने बोला ना ऐसा SMS डिजाइन करता है, वो डिजाइन करके देगा, और गूगल क्या करता है, उसके मेमोरी में जो है वो ला के देगा, वो खुद से कुछ नहीं करेगा। इसीलिए तो चैट जीपीटी आने के बाद में गूगल हवले जैसा कर रहा है। आपको पता है चैट जीपीटी किसका है, उसके अंदर भी इलॉन मस्क है। मैं उम्मीद कर रहा है आप लिख रहे हैं, ये कंबाइंड सुनो ना, ओ मेरे बच्चों, अरे ओ बच्चों, ये कंबाइंड के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं। अकर्स ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट एंड फिक्स्ड एक बार देख लीजिए, लिखना है सभी को, हो गया लिख के। ROI का फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। खैरियत पूछो कभी तो कैफी
यहाँ तक लिख लिया तो मुझे बोलो, मैं आगे कुछ लिखवाना चाहता हूँ। ये लिख लिया ना, ये लिख लिया तो मैं आगे बोलता हूँ। यू स्टिल राइटिंग, ऐसा बोल रहे हो? इज इट डन और यू स्टिल राइटिंग? हो गया ना? अच्छा 30 सेकेंड्स और रुको, रुक जाएंगे। 100 साल अंजाम है मेरा होना तुम्हें, इसके ऊपर और कुछ है क्या? जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओके अभी बस, अभी सुनो ना, अपना जो है ना यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हमारी ये सुनो, ये जो टाइटल यहाँ पे लिखना है, किसकी केस स्टडी है ये? लिखो केस स्टडी एयर इंडिया, और फिर उसके नीचे लिखना चालू करो केस स्टडी एयर इंडिया। जगह छोड़ो, नोटबुक एकदम स्पेशल चाहिए, अच्छे से लिखना है। इस नोटबुक के अलावा कहीं नहीं लिखना है, कोई भी जगह पे इधर उधर मत छापना कुछ भी, अच्छे से। हो गया ये? अरे मौसमी ना समझो पर इश्क को, जब हम एक पूछो कभी तो कैफियत पूछो, ये हो गया तुम्हारे बिन दीवाना, ये जो स्क्रीन पे हो गया ना, क्या हाल है? आप बस स्लो करते हो यार, आपका साबुन स्लो चल रहा है। आप एक क्या करो, सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, एक वॉट दिखाओ, वेट करना, कितना क्या दिखोगे अभी? नहीं नहीं, मुझे पहले आप क्या लिखोगे मुझे तो बोलने दो ना, मैंने लिखा मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या ना, ROI 18 है, ये 10% है 8% है, यहाँ पे ROI 6 है 10 और ये नेगेटिव 4 है, तो यानी कि दो सिनारियो है हमारे पास। तो ये क्या बोलता है, ये हो गई आपके लिए, ये कौन सा एस्पेक्ट है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, बोलते कि ये क्या एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ किसका है ये? हे प्रभु, अरे ये जो है किसका एडवर्स इंपैक्ट है? एडवर्स इंपैक्ट किसका? इंपैक्ट ऑफ लेवरेज, समझ गए? ये है आपका एडवर्स इंपैक्ट, बिकॉज आपका अगर सेल कम हो गया ना, तो फिर भी तो आपका इंटरेस्ट उतना रहेगा, तो आपके लिए लॉस हो जाएगा वो। तो यहां पे मैं काम कर देता हूं, इसको प्रॉफिट के लिए आपको लॉस ही लिख देता हूं, लॉस 4%। ओ डन, ये हो गया यहां तक। अब एक काम करना, ये हमारा क्या है ये सब, ये जो लिखा है मैंने क्या लिखा है, ये क्या है, सुनो एक मिनट, ये जो है इट इज कॉल्ड एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लेवरेज, मैं लिख रहा हूं इसका हेडिंग दो, हेडिंग क्या है इसका, इंटरप्रिटेशन ऑफ ये लेवरेज का इंटरप्रिटेशन है। अगर ये ज्यादा ज्यादा लिखता नहीं आता तो लिख दो मोर 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 मोर, ये ज्यादा ज्यादा है, कोई लोग यहां पे हो सकता है ये बोले क्या लिख रहा है ये, ज्यादा यानी कि मोर, इसको इसमें तेलुगु में क्या बोलते रहे, एक्वा एक्वा, इट्स नॉट कॉन्चम, इट्स एक्वा, और तमिल में क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा अधिगम, ये अधिगम है, अधिगम हो गया लिख के। पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी साधी चोरी शराबी।
Over guys, come on. Over, over. क्या लिखा देख लो, लेट्स अंडरस्टैंड डॉल डीएफएल डीसीएल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। ये आपको लिखना है ऐसे, ओवर गाइस। हेडिंग हो गई क्या? हेडिंग तो हो गई। मेरे दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तां टुटे दिल नू सांभी फिरदे की फायदा मुटियारे। 12 साल बजियां जराइयां छटे तख्त हजारे, हर साल नाल याद तैनू करदे रहे, कोई साडे वांग करूगा तां पता लगूगा। दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा तां। मेरे दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा तां। कहिंदी हुंदी सी चन तक राह बना दे, तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे। जदों मेरी आऊगी तां पता लगूगा। दिल नाल लारे नी तू ये, दिल तेरा जदों टुटूगा तां। दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ये, दिल तेरा जदों टुटूगा तां। दिल नाल लारे नी तू ये, दिल टुटूगा तां। रास ना आया तैनू नी जो दिल दा महल बनाया सी, तोड़ के मोती फुलां दे उस महल च बूटा लाया सी। नी जिवें सानू छड्ड गई जदों तैनू कोई छड्डूगा, जिवें सानू छड्ड गई नी तू अलड़े। इस तरह से एफएम के डॉल डीएफएल भी याद कर लो, गाने तो ऐसे याद कर रहे हैं। तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। इश्के दे राहां विच रुड़ के रह गए हां। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप। ओ माय गॉड, एपी ढिलान। ओके गाइस, आपका यहां तक लिख के हो गया होगा। व्हाट अरे तोड़ा, कितना तोड़ा, इसलिए तोड़ा कर करके आपने बहुत बड़ा कर दिया। ये तोड़ा 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 बहुत तोड़ा तोड़ा बोलते तोड़ा तोड़ा बहुत तोड़ा। जल्दी लिखो अन्ना, तोड़ा नहीं अभी खत्म हो जाना चाहिए। ये हो गया क्या बच्चों, बताओ यार। इज इट ओवर एवरीबॉडी? चलो ठीक है, आवाज कम कर दे बरा। आपने ये एबीटी तक खत्म किया होगा ना, तो मुझे आगे बढ़ना है। अभी काम सुनो मेरी बात, अभी क्या करना है आपने, आवाज कम करो भाई। ये जो लिखा है ना आपने, ये क्वेश्चन है। अभी तक हमने डॉल डीएफएल निकाला नहीं ना उसका, तो हम क्या करेंगे, इसका डॉल निकाल देंगे, इसका डीएफएल और इसका डीसीएल। ओके फाइन, और इसी को ही वापस से डॉल निकालेंगे डीएफएल। यहां पे एफ टू लिखा है ना, फॉर्मूला टू। आप एग्जामिनेशन में दोनों में कोई भी फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन डेटा कौन सा अवेलेबल है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएफएल
और डॉल निकालने के लिए F1 का इस्तेमाल करता है 90% ऑफ द टाइम, क्योंकि वही ज्यादा बहुत इजी भी है और वो आसानी से हो भी जाता है। अब सुनो एक मिनट, और सुनने की आदत आपको है नहीं, हम कह रहे हैं हम 25 साल से बढ़ा रहे। सुनो यहां पे जो है ना, ये फॉर्मूला है F2 को करने के लिए, आपको ये तीसरा कॉलम घुसेड़ना जरूरी है। अगर ये तीसरा कॉलम नहीं रहा ना, तो आप ये F2 नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वहां पे परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपको दो दो कॉलम नहीं दिए हैं, ओनली FY23 का डेटा दिया है, 24 दिया नहीं है, तो इसका मतलब चेंज तो निकाल नहीं पाओगे आप, तो आपको F1 पे जाना पड़ेगा। तो अगर मान लो एक ही सिर्फ एक लाइन सिंगल कॉलम दिया है, तो आपको दो FY23 दिया, 24 दिया ही नहीं है, तो आपको चेंज तो पता है नहीं, और चेंज पता नहीं है तो फिर आप F2 का इस्तेमाल कैसे करोगे। तो दैट इज वाई अगर आपको ये F2 निकालना है F2 से, तो आपके पास में परसेंटेज चेंज वाला तीसरा कॉलम घुसेड़ना पड़ेगा, और तीसरा कॉलम लाने के लिए दूसरा कॉलम होना जरूरी है। आपको समझ आ रहा है? तो चलो ये लिखना चालू करो। तेरी यादों में गुजारी सोनी, द लास्ट राइड किंग, तू आके देख ले ओ रातें कितनी सारी, तेरी यादों में गुजारी सोनी है सोनी है, तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी, ओवर गाइस कम ऑन, तेरी यादों में गुजारी सोनी है सोनी है, लोग कहते बेचारा सरा पूछो तो क्यों हारा, जब प्यार मिला नहीं तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला, ये झूमता वारा कैसे जीता चला जा रहा, बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना आ रहा, पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर, मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर, मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, के तू मेरी आंखों में है पूरी जचती, और तेरे आगे मेरी नहीं चलती, ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती, और मिट जाएंगे ये फासले, बन जाएंगे नए काफिले, ए ए ए आपको हो गया। तो आके देख ले क्या कर रहा हूं मैं मेरे लाइफ जंड हो गई सी है मैं आके, तो आके देख ले किसको रियली Okay guys, now everyone, we are going to start the first question. अरे थोड़ा कितना रुकू रे मैं, थोड़ा कर करके आपने बहुत ले लिया। तो
थोड़ा थोड़ा बोलते हैं दोस्तों, आपने ये सब लिख लिया होगा और आप मेरा सब कॉपी कर लेते हो यार। मेरे साथ मेरे इतना कॉपी मत करो, आप अपने आप से लिखिए। क्या आप मुझे खुशी दिलाना चाहते हो? मेरी खुशी आपके मन से लिखने में है। नहीं, आई मीन खुशी मतलब वैसे खुशियां दिलाना चाहते हो तो आप खुद से लिखिए। लाइव स्ट्रीमिंग वालों, आपकी बुक्स डिस्पैच हो चुकी है और एफएम की बुक थोड़ा सा 2-3 दिन बाद डिस्पैच होगी, तब तक आपको मैंने ये सारी बुक का पीडीएफ दे दिया है। कौन ब्रेक मांगा मुझे? कमाल करते हुआ हो गया कि आपका लिख के चलो यार चलो यार कम ऑन, हो गया आपका। चलो आगे बढ़ जाओ। हे लाइव स्ट्रीमिंग, क्या ना प्रोसीड फॉर द, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी क्या ही ब्रेक लोगे आप? एक मेरे को बोलना है, 7:10 को आपको वैसी में छोड़ देता। हाँ क्या करोगे अभी ब्रेक? ब्रेक लोगे तो फिर 7:30 को छोड़ूंगा। डोंट टेक ब्रेक, एक दो क्वेश्चन बस खत्म है। सब बोल रहे कंटिन्यू करो सर, ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है, तो आ जाओ फिर। आज का पहला क्वेश्चन फ्रॉम द लेवरेज चैप्टर दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिख जाएगा। जाओ भाई वहां से टेलीग्राम ग्रुप से क्लिक करके चालू कर दो। आपको पहले से ही ये कहना है कि हमारे जो क्वेश्चंस है मैं बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू कुछ तो आईसीएम मॉड्यूल से है दोस्तों। हमारे जो बुक में अभी बताओ इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है? 40 questions। क्वेश्चंस आ रहे कहां से? अरे आ रहे कहां से? पूरा के पूरा आईसीएम मॉड्यूल कॉपी पेस्ट कर डाला, क्योंकि आप जब भी आईसीएम मॉड्यूल देखोगे आपको कुछ भी अजनबी सा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आईसीएम मॉड्यूल को मद्देनजर रखते हुए आईसीएम बनाता है। एक पूरा आईसीएम मॉड्यूल, एंटायर आईसीएम मॉड्यूल प्लस पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। स्वप्निल पटनी क्लासेस का जो मेन ग्रुप है, यानी कि जिसमें 1,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, वहां वाले आप ये वाला ग्रुप मत देखना जो अपने क्लास के लिए बना है, ये सामूहिक ग्रुप है। और वहां पे देख लो आप, 1-2 दिन पहले कल डाला था शायद, कल डाला था। और एक है पास्ट आरटीपीस, सुन लीजिए तीनों, इन तीनों को मिला के 40 questions आपको दिए हुए। मेरी बात सुनो पहले आप, और उसके बाद में क्या है पता है? उसके बाद में मैंने आपको एक और बुक देना जिसका नाम है रॉक्स, और उस रॉक्स में मैं कुछ एडिशनल 5-6 questions दूंगा हर चैप्टर के चुनिंदा क्वेश्चन। वो एक अलग से बुक मैं आपको दूंगा जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे आंसर्स भी होंगे, ओके? यानी एग्जामिनेशन के पहले रिवाइज करने के लिए वो बुक बड़ी अच्छी होगी,
जिसमें हर चैप्टर के चुनिंदा 5-6 क्वेश्चंस होंगे। ओके इधर देख लीजिएगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पढ़ रहे हैं उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर यू रेडी फॉर इट? चलो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अब इलस्ट्रेशन क्वेश्चन 18 है, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी 12 है और आरटीपी के भी है। आ जाओ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पर अब, क्या है क्वेश्चन? शुड आई स्टार्ट गाइस, शुड आई बिगिन? अ कंपनी, चालू करें? चालू। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 टी शर्ट्स, मानो 10,000 शर्ट कंपनी बनाती है, कितने बनाती है? सेलिंग प्राइस, थोड़ा कैलसी है क्या आपके पास? पहले कैलसी पे खेल के देखते हैं। क्या है? 500 रुपए का एक शर्ट है, 10,000 टी शर्ट बेच रही है, यानी कि पूरे 50,00,000 का क्या है सेल वैल्यू? अब एक मिनट सुनो, यहां पे वो डॉल निकालने बोल रहा है, अब डॉल का फॉर्मूला बोलेंगे। अरे अभी तो क्या ना, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यानी इसने सेल दिया है, आप बताएंगे सेल में से क्या माइनस होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। इसने वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपए दिया है, 200 को मल्टीप्लाई करो 10,000 से, यानी 50,00,000 का सेल था, 20,00,000 का वेरिएबल कॉस्ट, कितना बचा? 30,00,000। और फिक्स कॉस्ट कितनी गई? यानी कि 30,00,000 में से 25 गए, ये 5,00,000 कंपनी का ईबीआईटी आ गया, यानी हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ गया, ईबीआईटी भी आ गया, और आप मुझे दे सकते हो डॉल। आंसर बोलेंगे 6 नंबर। तो दोस्तों आपके पास में डॉल आ गया, आओ चलो इसी को अच्छे से लिखते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ जल्दी से। ये कौन सा क्वेश्चन है और क्या नाम देंगे आप? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके एवरीवन, और पेज नंबर कौन सा है ये? 1.10। आपके नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, राइट? पेज नंबर 1.10, ये आपने आपके नोटबुक में शुरुआत करना चाहिए। चलो आओ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। उस फॉर्मेट में क्या होगा, कितने कॉलम्स होंगे? क्यों 3? चलो एक देख लेते हैं, उसने कुछ ये भी बोला है, इफ द सेल्स आर अप बाय 10%, 10% से अप होगा तो बताओ ये, तो हम लोग फॉर्मूला में डाल के निकाल देंगे, तो अपने को एक्चुअल में 2 ही कॉलम चाहिए सर, 2 कॉलम बना देते, एक का नाम आएगा पर्टिकुलर्स और एक का नाम आएगा अमाउंट, 2 कॉलम बस, और तीसरा आपने आप वो कुछ ज्यादा नहीं है, मैं बता दू तो क्या चालू करें? चलो देखो तो लिखते आता क्या आपको? पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख दिया आपने, शुड आई स्टार्ट? सेल, बोलो सेल कितना हुआ? आपने 10,000 शर्ट बेचा, 500 रुपए का एक था, कितना लिखूं? 50,00,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 10,000 टी शर्ट है, 200 में बेचे गए, 20,00,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट हुआ, ये हुई आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन 30,00,000, बोलो आगे बोलो। ये है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो मुझे देखना पड़ेगा कितनी है, ये है इन्होंने खुद से चल के लिख दिया 25,00,000 रुपया, यानी कि दोस्तों अब मैं कर रहा हूं माइनस 25,00,000 रुपए, अब क्या आ गया ये? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 5,00,000 रुपए,
बस ये कहानी यहां खत्म है। अब डॉल निकालो, लेट्स कैलकुलेट डॉल, शुड आई बिगिन, देखते कौन करेगा डॉल। डॉल एफ वन यूज करेगा, एफ टू, एफ वन से काम हो जाएगा। डॉल इज इक्वल टू, वी वॉन्ट टू चेक द इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 30 लाख। कितना आएगा आंसर, इसका अर्थ बताओ मुझे, कंपनी में आपको लग रहा है लेवरेज ज्यादा है कि कम है, यानी रिस्क ज्यादा है कि कम है, इसका फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है कि कम है, यानी रिस्क भी ज्यादा पर प्रॉफिट भी हो सकता है, और अगर गंदा समय आया तो। ओके, हो गया आपका बच्चों, लिखे चलो अभी उनके और दूसरे क्वेश्चन को देखो, इसको क्या लिखते हैं यहां पे, देखो यहां पे उन्होंने कहा है ए करो, तो ए हो गया अपना, तो ये मेरा ए वाला खत्म हो गया, ए इज ओवर। ओके अब मैं कर रहा हूं बी, अब बी में क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन द कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी, आपका 10% से क्या बढ़ा है, आपका 10% से सेल बढ़ा ओवर, आपको याद है एक फॉर्मूला था, आप समझा एफ टू क्यों किया, ऐसा 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 एक फॉर्मूला जिसमें सेल भी आता और ईबीआईटी भी आता, डी ओ एल का फॉर्मूला था, कितना परसेंटेज सेल बढ़ा बदले में कितना परसेंटेज ईबीआईटी बढ़ा, ऐसा ना, बोलो फॉर्मूला क्या है, डी एफ डी ओ एल, डी ओ एल लिखू, परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन, ये कितना परसेंटेज है और ये तो मालूम ही नहीं है, परसेंटेज चेंज इन, सर ये तो मालूम ही नहीं है, अब कैसे निकलेगा ये, सर इसी क्वेश्चन का तो डॉल ऊपर निकला ना, छे तो कर दू छे, अब मतलब क्या होगा बता दीजिएगा, आंसर बोलिएगा, इसलिए आंसर क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, सही है, बोलो क्या मतलब हुआ इसका, अगर हमारा सेल 10% से बढ़ जाता है तो हमारा ईबीआईटी 60% से बढ़ जाता है, यही तो क्वेश्चन पूछा था, और आपको पता है आपने क्वेश्चन नंबर वन तो खत्म ही कर दिया, हे हे। सो दोस्तों आपने क्या पूछा, क्या था यहां पे, देन द कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी, तो आपका ईबीआईटी परसेंटेज कितना चेंज हुआ, आपका 60% चेंज हुआ, यानी पहले कितना ईबीआईटी था, अरे बोलो बच्चों, पहले आपका ईबीआईटी था 5 लाख, तो आपका सेल कितने से बढ़ा, 10%, यानी कि ये कितना हुआ होगा, जितना भी होगा, पर अभी ये 5 लाख का 60% बढ़ा, तो 5 लाख का 60% कितना होता है, 5 लाख प्लस 60% ऑफ 5 लाख, यानी कितना हो रहा है, 8 लाख हो गया, फिर तो आंसर कितना गया, 8 लाख, नहीं नहीं परसेंटेज चेंज बैठी हुआ 60%, पर पुराना कितना था 5 लाख, 60% ऐड हुआ तो 8 लाख हुआ, हो गया, वो भी लिख देंगे, न्यू ईबीआईटी इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 60% ऑफ 5 लाख, 8 लाख। सर ये जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ा रहे हो, अगर हमें इसके आंसर देखना है तो कुछ नहीं, आईसीए का मॉड्यूल खोलना है, सब कुछ दिया हुआ है,
तो सर हम लोग घर पे ही पढ़ लेते, आप क्या कर रहे हो? हम साथ साथ कर रहे हैं। ये घर पे आप सॉल्व करने लायक नहीं हो अभी, क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। हम पूरे मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है अभी। अब मैं एक बार सॉल्व कर लूं, इसके बाद तो आप कुछ भी सॉल्व कर पाओगे। मॉड्यूल साथ साथ सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बैंक, और फिर आप बोलेंगे सर ये हम कर सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑल्सो एंड आरटीपी ऑल्सो। आर यू गेटिंग मी? तो चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर टू पे। कम ऑन गाइज, कितने लोगों का सही आ गया? सबका सही आ गया। ओके, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर टू, रेडी? तो हमारा आप क्या है क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर टू। लाइव स्ट्रीमिंग वालों कोई डाउट है तो पूछिए। अबे केड़िया, आप कर सकते हो, आपको जैसा करना है ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं एफएम में। ओके आगे बढ़े। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ दी फोर फर्म्स ए बी सी डी। सबका डॉल चाहिए आपके पास। आपके पास कितने कॉलम है? चार। क्या आप कर सकते हो? तो मतलब मैं रुक जाऊं आपके साथ? आप कॉलम कितने बनाओगे? पांच कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर, फिर बाद में ए, फिर बाद में बी, फिर बाद में सी, फिर बाद में डी। पांच कॉलम बना दे। सुनो पहले सुन के तो लो, आपको ही करना है। फिर क्या करोगे? सेल्स तो दिया है। अरे ए का करोगे तो बी सी डी वैसे ही होगा। तो कितना आएगा पहले? एक मिनट, एक एक कैलसी पे करो, बाकी बी सी डी आप कर लो। हाँ बताओ क्या करेंगे? ₹20 का सेल प्राइस है एक यूनिट का, और टोटल यूनिट्स कितनी है उनके पास? ए लिख रहा है 5000 यूनिट सोल्ड आउट किया है, तो 5000 को मल्टीप्लाई करो 20 से, आंसर इज व्हाट? 10 लाख। दोस्तों 5000 को मल्टीप्लाई किया आपने 20 से, तो आंसर है 1 लाख। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो आंसर आएगा 30000। तो 1 लाख का सेल हुआ, 30000 का वेरिएबल कॉस्ट, द कंट्रीब्यूशन 70000। माइनस करेंगे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 70 में से, 60 गए, आंसर बचेगा 10। तो अभी आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या आ गया? आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ गया ईबीआईटी में। फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो जैसे आप ए के लिए करोगे, बी और सी डी सबका कर पाओगे? अभी देखो मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूं, फिर फॉर्मेट फॉलो कर लेना, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर दो, पेज नंबर 1.11। ओके, पर्टिकुलर्स यह है ए बी सी डी ए बी सी डी सेल। बोलो सेल कितना है? 5000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ ये? माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, कितना वेरिएबल कॉस्ट? 5000 को मल्टीप्लाई करो 6 से, ये आ गया आपका 30000। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 70000। माइनस क्या करूं? फिक्स्ड कॉस्ट। मैं एक बार चेक कर लेता कितना, मैं भूल गया, यहां पे लिखा है 60000, 60000। अब आपका ई बी आई टी 10000। ओके गाइस, ओके एक बार इसका डॉल कर ले, बाकी सब आपको करोगे राइट हाँ बताओ डॉल किसी, देखो यहां पे डॉल लिख दिया, देखो मैंने डॉल कहां लिखा, देख लो एक बार। डॉल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 70000। ईबीआईटी कितना है? तो कितना हुआ ये? तो अब ऐसे करते करते वर्टिकल में आप सबका कर देना, फॉर्मेट आपको मिल चुका है। हाँ क्वेश्चन दिखा रहा, आपको सबके लिए करना है ऐसे ना? यहां तक पहुंच गए आप लोग? तो दिस इज द डॉल फॉर ए, आपको बी सी डी सबके लिए करना है। हटा दो इसको स्क्रीन से, अब क्वेश्चन देख लो ठीक है।
चलो दो मिनट का समय आपके पास करने के लिए जल्दी से कितने लोगों का हो गया ओह नो कोई है जो यहां पे आके सॉल्व कर पाएगा इसको इतने सारे लोग यहां पे अच्छी हैंडराइटिंग अच्छा सभी की हैंडराइटिंग भी अच्छी है और सबको आता भी है सबकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है सबको आता भी है मैं ये देख रहा हूं किसको हमने पहले बुलाया नहीं यहां पे उनको बुला रहा हूं मैं जिसको बुलाया नहीं वो उसको बुलाना चाहता हूं आप सब आए हो ना यहां पे आप सब आए थे आए आए आप आई थी ना मेरे From you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust. And I'm Ritika. You want to come? Ain't no way that I can leave you stranded. Cause you ain't never left me empty handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. ओके गाइस आपका पहले ए वाला जो आंसर है वो कितना है अभी आपको ये यूज करने आता है ओके ये ऐसे और अभी स्टार्ट बी सी डी ओके तो आप नहीं नहीं आप रुकिए ऐसे से बार बार कर सकते हो ऐसे रैसे 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 क्योंकि सबको देखना भी होता है ना ओके ओके बी ये सही कर रही है तो बता देना थोड़ा आपको बोलना भी तो है ना आप टीचर हो अब ये माइक लीजिए आप टीचर भी तो हो ना बोलो अभी सही बोल रहे ओके ऐसा बोलो कुछ तो ठीक है तो 16 × 5000 सही है, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हाँ ना फिक्स कॉस्ट हमें 40,000 रुक जाओ फिक्स कॉस्ट 40,000 दिया है इससे ईवीआईटी आ जाएगा 40,000 फॉर्मूला लिख लेना लिख दू क्या कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआईटी विच इज कंट्रीब्यूशन क्या है एट इज अच्छा बताओ ईवीआईटी कितना है 40,000 ओके लिखो पढ़ाई पे ध्यान दे लो अब ओके कितने लोग का टू आया वेरी गुड पूरा सॉल्व करो फिर देते हो ओके नेक्स्ट सी करो ठीक है ओके ओके सो नेक्स्ट हम सी का कर रहे हैं विच इज 5,000 और इसका सेल प्राइस है 550 तो विच इज 2,50,000 लेट्स सी कौन पहले सॉल्व करता है वेरी गुड
किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना सर से। ओके इसका आंसर क्या है? एक सेकंड, इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ केशव। वेरी गुड। फिक्स्ड कॉस्ट निल। ओके अच्छा बताओ अगर फिक्स कॉस्ट निल है तो फिर कितने परसेंट से ईबीआईटी होगा? जितना सेल हुआ। वेरी गुड ठीक है। अरे होने वाले दो मिनट। थैंक यू गाइस यू वर अ गुड ऑडियंस। अब वो बता दो यहाँ पे आप सभी कितने लोगों को आंसर आया? 7 2 3 1 7 2 3 1 सबका सही है? अभी आप आए तो ये बता दो वन क्यों आया यहाँ पे लास्ट में? सर क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट निल है तो जितने परसेंट से सेल बढ़ेगा उतना ही बीआईटी में भी इंपैक्ट आएगा। उतना जितना परसेंट से सेल बढ़ रहा है उतने ही परसेंट से आपका ईबीआईटी बढ़ रहा है। आप मुझे बताओ इन चारों में सबसे कम रिस्की कौन सा है? सर वन डी। यानी कि कौन सा? डी। सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है? ए। क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो उसका लेवरेज भी ज्यादा है। उसका लेवरेज भी ज्यादा। एवरीबॉडी गॉट इट? रितिका थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लिखा आपने। ओके दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा। आपको भी यहां पे आकर पढ़ाने का मौका मिलेगा। सिर्फ आपको अगला प्रश्न शुरू करना है। आर यू रेडी गाइस? लाइव स्ट्रीमिंग वाले अरे क्या ब्रेक लोगे आप? मैं एक क्वेश्चन के बाद मैं खत्म कर रहा हूं। यू वांट ब्रेक और व्हाट? आपकी कसम। ओह माय गॉड आपको आना है क्वेश्चन नंबर 3 पे और लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। चौथा कर लो क्वेश्चन नंबर 3। आर यू रेडी गाइस? शुड आई प्रोसीड? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर कितना है? पेज नंबर कितना है? 1.11। मैं बोलना चाहता हूं चलो क्वेश्चन को पढ़ ले। कितने लोगों ने क्वेश्चन 3 खत्म भी कर लिया? कर लिया? बहुत जल्दी कर लेते हो आप। इतने जल्दी कैसे हो गया आपको? सॉल्व हो गया? चलो सब लोग अपन तो हम सब संग संग है। अरे हम साथ साथ हैं। हम आपकी कौन है? तो दोस्तों आ जाओ पहले। अरे इज्जत हो यारो। 24 लाख की सेल हुई तो सेल तो दिया है, माइनस क्या करेंगे? 50% ना 12 लाख हो जाएगी तो क्या बचेगा? 12 लाख क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। माइनस क्या करेंगे तो क्या बचेगा? कितना? 2 लाख रुपया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ गया, ईबीआईडी आ गया, ईबीआईडी में से इंटरेस्ट माइनस कर दो। अच्छा इंटरेस्ट भी है 10 लाख पे 10%, 1 लाख ना
दस लाख का 10% एक लाख, दो लाख में से एक लाख गया, एक लाख बचा, यानी क्या है ईबीटी। अरे ईबीटी कितना है? दो लाख में से एक लाख गया, बचा एक लाख रुपए, क्या है ईबीटी। उसमें उन्होंने कहा है 50% टैक्स, ईबीटी में से 50% उड़ा दो। आपके पास महंगा पैड, पीएटी पैड, एक लाख में से 50% यानी 50,000 गए, कितना बचेगा? व्हाट इज दैट 50,000 नॉट पैड। तो किसने कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, ईबीआईटी आ गया, पैड भी आ गया, यानी कि जो सामग्री आपको डॉल के लिए लगती है डीएफएल को दोनों भी आ गई, और डॉल डीएफएल आ गया तो आपके पास में डीसीएल भी आ गया। सर तो हम लोग डॉल डीएफएल डीसीएल कर ले, कर लो कर लो, चले साथ साथ करें, चलो चलो ना। क्या करूं यहां पे, बोलो सेल कितना है? 24 लाख माइनस क्या करेंगे 50%, बोल तो 12 लाख, यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 12 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया मेरे पास, सही बोल रहा हूं मैं? अब वो क्या बोल रहा था, अब क्या उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बोल रहा है? अरे क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, तो 12 लाख में से गए 10 लाख, क्या बचेगा? ई बी आई टी। अरे गलती से 2 लाख आपका ईबीआईटी है, माइनस करूं क्या इंटरेस्ट, माइनस करूं क्या? सर 1 लाख कहां से लाया आपने? अरे बहुत छो, 10 लाख का है 10%, 1 लाख माइनस करूं क्या? अब आएगा आपका ईबीटी, सही है, माइनस करूं क्या टैक्स, कितना? और ये क्या है, मैं यहां तक पहुंच गया, आप देख लीजिए। अब डॉल डीएफएल डीसीएल आप निकालो फटाफट, फॉर्मूला याद करो, निकालो जल्दी से। लाइव स्ट्रीमिंग, एनी डाउट प्लीज आस्क मी, कोई डाउट है तो पूछिए साहब, एनी डाउट गाइस? आपको डॉल डीएफएल डीसीएल निकालना है, क्वेश्चन निकालो। तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे, मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं, आजा हिस्से में तू मेरे, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद से जोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठ घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठ घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का। Hey guys, is that over? Yes, कितना है डॉल, कितना डॉल? मैं लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ लोगों ने जवाब दिया है, स्प्रित कौर कह रही है 6-2-12, निधि जैन कह रही है 6-2-12, अभय 6-2-12, हर्ष 6-2-12, मनीष तुतार 6-2-12, विधि 6-2-12, अंजलि 6-2-12, सब लोग वही कह रहे हैं, मतलब वही आंसर होगा। अरियन प्रियम चेतन सब लोग 6-2-12, तुलसी उर्वशी नौटेला 6-2-12, भूमि 6-2, सब 6-2-12। शुड आई प्रोसीड गाइस? बोलोगे बच्चों 6-2-12 कैसे आए?
ये है आपका डॉल कॉन्ट्रीब्यूशन ईबीआईटी कॉन्ट्री कितना है अपॉन कितना है 6 आ गया मेरा 6 आपका भी आया डीएफएल बोलो आंसर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ईबीआईटी कितना है ईबीआईटी 2 लाख है आगे बोलो ईबीटी 1 लाख आंसर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अभी हम लोग निकालेंगे आरओआई धंधे में पैसा कितना लगाया और उस धंधे से पैसा कितना कमाया इसी को कहते हैं आरओआई बताओ धंधे में पैसा कितना लगाया अरे आपने धंधे में कितना पैसा लगाया आपने धंधे में लगाया था 10 लाख आपने कमाया कितना आप अगर यहां देखोगे आपने इस धंधे में उधारी का पैसा लाया 10 लाख मतलब लगता है आप अड़ानी जैसा काम कर रहे हो आपने 10 लाख रुपए लाए थे धंधा करने के लिए उस धंधे पे क्या आपने कितना पैसा कमाया अरे टैक्स जाने का तो 50 कमाया ना आपने तो आपका आरओआई का फॉर्मूला बन गया पैट अपॉन इन्वेस्टमेंट पैट थी 50,000 इन्वेस्टमेंट 10 लाख आएगा आंसर अरे आंसर बोलो कितना आएगा आंसर इज व्हाट 5%. अरे धंधे में लगाया 10 लाख कमाई कितनी करा 50,000 तो 10 लाख में 50,000 कमाया तो 50,000 अपॉन 10 लाख अरे लगाए कितने 10 लाख कमाए कितने 50,000 तो कितनी कमाई 5%. सिंपल चलो दोस्तों आपके पास में आपको यहां पे मुझे और कुछ बोलना है एक मिनट बताता हूं अगर मैं सभी ना आरओआई के बारे में बता रहा हूं आरओआई एक कॉन्सेप्ट है आरओआई कॉन्सेप्ट है आरओआई एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको कहा जाता है क्या आप मुझे ये बता सकते हैं आपने वो कितना किया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर मैं दोस्तों देख रहा हूं मैं आप धंधे में कितना पैसा लगा रहे हो उस पे आप कितना पैसा कमा रहे हो राइट अरे बोलो सही क्या नहीं आपने धंधे में पैसे लगाए 10 लाख अभी ध्यान से सुनना एकदम क्लैरिटी के साथ में आरओआई कैसे निकालते हैं तो जनरली आप मुझे बताओ 10 लाख आपने बाहर से लाए 10 लाख खुद के लगाए बाहर से 10 लाए ना और खुद के लगाए ना खुद के भी इक्विटी 10 लाख बाहर के लाए 10 लाख मुझे बताओ बीइंग अ शेयर होल्डर व्हाट विल आई से मैंने कितने लगाए और 10 लाख में से मैं अगर शेयर होल्डर हूं मैं इन्वेस्टर हूं शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर ने कितने लगाए वो क्या बोलेगा मैंने धंधे में लगाया 10 लाख मुझे कितने मिले मुझे मिले 50,000 या मुझे मिले 2 लाख क्यों 2 लाख क्यों नहीं 2 लाख तो कमाए थे पर वो इंटरेस्ट लेके चले गया और जो थोड़ा बहुत तो मोदी लेके चले गया तो थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा मोदी मेरे हाथ में बचा 50,000 तो मैं क्या बोलूंगा 2 लाख अपॉन 10 लाख या 50,000 अपॉन 10 लाख तो इसीलिए बीइंग द फ्रॉम द एंगल ऑफ भाई कंपनी किसकी है तो उसके लिए आरओआई निकल रहा ना भाई मैं शेयर होल्डर तो मैंने धंधे में कितने लगाया 10 लाख बोलो ना तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते तो 10 लाख लगाया बोलो बच्चों बाहर कितना आया 50,000 तो क्या बोल रहा है 5% आरओआई मेरा एवरीबॉडी गॉट इट कोई शक सवाल तो इसलिए यहां पे आंसर हो गया आरओआई ये है आपका पैट ये है शेयर होल्डर का फंड ये है 50,000 ये है आपका 10 लाख
ये मल्टीप्लाइड बाय 100 ये आएगा 5%। आपको कॉन्सेप्ट समझा क्या है? शेयर होल्डर क्या बोलेगा, मैंने कितना लगा धंधे में और मुझे 2 लाख में लेके आया? नहीं, 2 लाख में से 1 लाख तो वो लेके चल गया, 1 लाख में लेके आया नहीं, 50,000 तो मोदी लेके गए, तो मेरे हाथ में क्या बचा? 50,000। तो 50,000 कमाए, कितने पे कमाए? 10 लाख पे कमाए। ओके, और लास्ट क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में पूछा है? देखो, अगर आपका सेल्स 6 लाख से बढ़ा तो आपका न्यू EBIT कितना होगा? 6 लाख से बढ़ा आपका सेल, यानी कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स, पहले कितना था? 24 लाख। सुनो, इधर देख लो, स्क्रीन पे देखो, आप 24 लाख थे, अब आप कितना लाख बने? 30 लाख बने। तो बताओ आपका सेल कितने परसेंट से बढ़ा? तो आपका 25% बढ़ा। आपका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स परसेंटेज चेंज इन EBIT, बराबर है? तो नीचे आएगा 25%, नीचे 25%, ऊपर कितना टका मालूम थोड़ी ना, वो तो आएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT, वैसे के वैसे लिखेंगे, और इज इक्वल टू डॉल। डॉल तो निकाली है, समझा नहीं समझा? एक बार बोल के देखते हैं। चलो अपना फॉर्मूला बताओ, डॉल का F2 परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन, ओके, सेल कितना है, परसेंटेज चेंज कितना सेल हुआ, कैसे हुआ? 24 लाख के अंदर बढ़ा 6 लाख, यानी कितना हुआ? 30 लाख। तो 24 लाख का 30 लाख हुआ, कितना टका बढ़ा? 25%। एक काम करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो, समझा ना? मतलब इतना तो मैथ्स, इतना भी वाहियात मैथ्स नहीं है। ओके, 25%, ये डॉल कितना है? इधर है डॉल 6, तो 6 लिख दो यहां, हो गया अपना आंसर, बोलो कितना आएगा? 150%। ये परसेंटेज चेंज है, वो परसेंटेज चेंज नहीं पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है? आपका न्यू EBIT कितना है? तो आपको पुराना कितना था, तो उसमें उतना ऐड कर दो आप, देखते कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। आपका आंसर है 3 लाख या 5 लाख? क्यों? वो क्या बोल रहा है? न्यू EBIT बताओ इज इक्वल टू ओल्ड EBIT प्लस 150% ऑफ ओल्ड EBIT, बराबर कह रहा हूं क्या? तो ओल्ड EBIT कितना है? वो है हमारे पास 2 लाख। तो क्या करूं मैं, आप बोलो? 2 लाख प्लस 150% ऑफ 2 लाख, तो कितना हुआ पूरा मिला के? दिस इज न्यू EBIT। अब मैं क्या करता हूं, इसमें इसको लिखता हूं, एक मिनट रुको साहब, कैसे पूछा है? ABCD पूछा है ना, इसको ऐसा लिख दो, ABCD। मुझे लगता है इस पूरे क्वेश्चन में D और E जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए स्टार मार्क वाले कॉन्सेप्ट है, तो आप D और E को अलग से हाईलाइट करेंगे। Do you use highlighter? Yes. Do highlight D and E because ABC was not difficult. What was difficult? D and E were difficult. आप D को highlight, E को highlight करो, दोनों को highlight करो। और लिख दो यहां पे, बी केयरफुल, ये भी बी केयरफुल है,
हाँ वैसा भी कर सकते हो, हाँ आप यहाँ पे डाल के कर सकते हो, तरीका कोई भी हो सकता है, आंसर शॉल रिमेन सेम। कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? आज आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, अभी आपको जाने के लिए नहीं बोला, आप जा रहे हो सिर्फ एक मिनट के पश्चात, क्योंकि मुझे आपके सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करने दो। आप बता प्लीज, आप एक मिनट रुको, मुझे ऐसा 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 भी करना है, रुको, आप मुझे बताओ डॉल का फॉर्मूला क्या है, इसको देखिए होता कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, ये डॉल है तो डीएफएल क्या होगा, ईबीआईटी अपॉन, ये क्या है डीएफएल, और डीसीएल क्या है, डॉल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल, बराबर है। अब एफ टू में जाए, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन, कितने प्रमाण में से कितने परसेंटेज से सेल बढ़ेगा तो कितने परसेंट से आपका ईबीआईटी, वो हो गया डॉल। डीएफएल बोलो कितने परसेंट से आपका क्या बढ़ेगा, ईबीआईटी बढ़ेगा, तो बदले में कितने परसेंट से आपका ईबीटी बढ़ेगा, इज दैट क्लियर। और हम लोग का जो डीसीएल आता है वो क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इज दैट क्लियर एवरीवन। कोई शक सवाल? सो दोस्तों अब अगले सत्र में मिलेंगे, कल मॉर्निंग में ईआईएस के साथ में रेस्ट, बाकी कल हम लोग मिलेंगे। क्या बोला मैंने, हाँ मतलब ईएसएम कल मॉर्निंग में, वेर आई वुड बी टीचिंग एसएम, और अभी वापस से कल 4:45 को मिलेंगे एफएम के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, जल्दी होगी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सर एफएम एसएम के नोट्स भी अपलोड करो, कर दूंगा कर दूंगा। आरओआई में 20 लाख वाला चीज कब लेंगे, और रेशो एनालिसिस इस चैप्टर में हम लोग इन्वेस्टमेंट जब करेंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा, अगर हमने डिनोमिनेटर डी प्लस ई लिया तो क्या होगा। तो रितेश कुमार आपके डाउट को मैं कल सॉल्व करूंगा क्लास में। उसमें अगर आप तुम डी प्लस आई नीचे कर, मतलब आपको इक्विटी भी ले रहे हो और आप डी भी लिख रहे हो, यानी कि डेट भी लिख रहे हो और इक्विटी लिख रहे हो, तो ऊपर का आपको सब चेंज करना पड़ेगा। थेरी थेरी का एक क्वेश्चन आता है पर वो हम जब पढ़ते हैं उसमें कवर हो जाता है। सुमित कुमार, और आरओआई चाहे तो मैं कल और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, नॉट टू वरी गाइस। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं क्या, जो बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म होते वो यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं। बाय बाय, थैंक यू। जा रहा है क्या सर? कब? आज नहीं, बिल्कुल घर जा रहा है। अच्छा वापस आएगा ना कल? हाँ सर आऊंगा। चल सर बस भाई, सर हम नहीं इधर देखते, इधर फिक्स कॉस्ट यहाँ पर हमारा 1 लाख है। ये बेसिस
टियर वन में ओपनिंग स्टॉक का 0, क्लोजिंग स्टॉक का 1000। Thank you guys.